الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة نحل آيت نمبر 43. جي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. और नहीं हमने भेजे मिन कबली का आपसे भेजे आपसे पहले सिवाय इसके इल्ला रिजालन रिजाल भेजे नूही इलैहिम जिनकी तरफ हम वही करते थे या हम वही करते हैं फसअलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून बस तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से इन कुंतुम ला तअलमून अगर तुम नहीं किसी चीज़ का इल्म रखते। यहाँ बड़ा वाज़े है कि अल्लाह ताला ने जो अंबिया और रसूल भेजे वो मुज़क्कर ही थे, यानी मर्द ही थे, ख़वातीन कभी अंबिया या रसूल में से नहीं हुई। हज़रत मरियम के बारे में क्या मामला है? उनकी तरफ भी तो वही का जिक्र है कि उनकी तरफ भी वही की गई। हाँ जी, इसका आसान सा जवाब ये है कि आवाज़ लो जा रही है। क्यों जा रही है लो? जी अब सही आवाज़ अब कैसी है? वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। अब ठीक है जी, फिर बहुत कम है। जी सबको सही आ रही है आवाज़? जी अब कैसी आवाज़? अभी सही है। लो है आवाज़। अच्छा ये पीछे से लो है लेकिन वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? एहसन का है, एहसान। इनको कहें सेकंड ईयर में आए, सेकंड ईयर में आए।
वालेकुम सलाम भाई, ये आवाज़ जो है ना वो मेरा ख्याल है यहाँ जो ऑनलाइन वॉल्यूम जा रहा है ना वो कम है, उसको बढ़ा दो। पता है आपको? जी अब सही है, आवाज़ बढ़ाएं थोड़ी। हेलो, और बढ़ाएं। हेलो, ये ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है? 5 USB, ये ऑप्शन कौन सा है? 5 USB, यही है ऑप्शन। बढ़ाएं उधर से, जो आउटपुट जा रहा है ना आपका ये साउंड से, उसको बढ़ाएं। कह रहे ऑनलाइन कुछ भी आवाज़ नहीं जा रही, आपको भी नहीं आ रही? कम है। हाँ हेलो, क्या बढ़ा रहे हो आप? क्या बढ़ा क्या रहे हो? हाँ हाँ बढ़ाओ। फुल है, फुल है, आप बढ़ाओ ना, ज़्यादा बढ़ाओ। फुल कर दी, ये तो आप साउंड बढ़ा रहे हैं, कम करें इसको, कम करें। ये तो साउंड है, यानी जो ऑनलाइन आ रही है इसको कम करें। हेलो, बुलाओ भाई बड़े डॉक्टर साहब को, बुलाओ। जो ना, माइक का इशू नहीं है क्योंकि यहाँ इन क्लास हमें आवाज़ अच्छी आ रही है। तिलावत ही सुन ले। क्या है? हाँ जी, नहीं टाइम काफ़ी हो गया। जी आवाज़ अभी आ रही है ऑनलाइन? ऑन साइट बहुत तेज़ हो गई। अभी सही हो गई? तुमने ये चेंज किया स्पीकर? अभी चेंज हुआ है। जी अब कैसी आवाज़? कह रहे बेहतर है, ठीक है बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जी अभी सही नहीं है लेकिन समझ आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार रुक जाए, रुक जाए। कह रहे में भी सही है जी, समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। चल ठीक है, तो जितने भी अम्बिया गुजरे वो कौन थे? मर्द थे, खवातीन में से कोई भी अम्बिया नहीं कोई गुजरा। और जहाँ पर भी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में लफ्ज़ आता है कि उनकी तरफ वही की गई, तो इस बारे में क्या है कि वो वही बमाना इल्हाम है। ठीक, इल्हाम को भी वही कहा जाता है। जी अभी आगे भी आ रहा है कि शहद के मक्के की तरफ भी इल्हाम किया गया। जी तो वो इंसानी शक्ल में आए थे ना? जी खबर देने आए थे, खबर देने आए थे। जी रूबी फूकी, जी, लेकिन नबी नहीं, नबी नहीं बना के भेजा गया। अल्लाह आलम की शक्ल में आए लेकिन वही नहीं थी उनकी तरफ। जी तो बस तुम पूछो अहले जिक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। यहाँ एक जो असल में पस मंजर है वो ये है कि मुशरिकीन मक्का ने ये इतराज़ किया था कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम है कि ये इंसान क्यों है, बशर क्यों है? अगर तो ये नबी हैं तो कोई नूरी मखलूक होते, गैर बशर होते। ये तो हमारी तरह खाते पीते भी हैं, शादी भी करते हैं, रहन सहन भी करते हैं। तो इनको हुक्म दिया गया कि फस अलू अहले दिक्री इन कुन तुम ला तालमून, कि जाओ तुम अहले दिक्र यानी यहूद व नसारा से जाके पूछो
और उनके पढ़े लिखे लोगों से पूछो, अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता उनसे जाके पूछो कि पीछे मूसा, ईसा, दाऊद और ये दीगर जितने अंबिया थे, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, ये क्या इंसान नहीं थे? तो अगर ये इंसान थे तो फिर नबी अलैहिस्सलाम का इंसान होना तो बिलावल है। तो फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, पूछो अहले ज़िक्र थे अगर तुम नहीं जानते। यहाँ से बहुत से लोगों ने तकलीद को साबित करने की कोशिश की है। तकलीद क्या है? हाँ, किसी के कॉल को कबूल करना बगैर दलील के, या कह लीजिए कि एक तकलीद शख्सी को इस तरह मानना कि किसी एक शख्स की बातों को बिला दलील माना जाए, यानी सामने से वाज़े दलील आ जाए, सामने से वाज़े किताब व सुन्नत के दलाइल आ जाए, फिर भी एक शख्स की, एक आलिम की, एक इमाम की बात को बगैर दलील के फॉलो करते रहना, इसकी दलील पकड़िए। मैं कि फस अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि जाओ पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। तो सही है, ये दलील पकड़ना सही है तकलीफ की। तकलीफ की दलील नहीं बन रही, क्यों? अच्छा, ये कोई कह रहा है फी ही तफसील, जी बताएं क्या तफसील है? वाइन का ना उम्मी फ ही तकलीदुन। अच्छा, कह रहे हैं अगर कोई उम्मी है उसको कुछ नहीं पता तो वो तकलीद करेगा। देखें थोड़ा सा फर्क है, एक तकलीद है तकलीद शख्सी, कि एक इमाम की बात को अंधों की तरह मानना, उसको फॉलो करना, किताब व सुन्नत के वाज़े नुसूस भी आ जाए तब भी उसको मानते रहना, ये जायज़ नहीं है। इसी वजह से आज हमारी उम्मत में तफरका हुआ है, फिरका वारियत हुई है, लोग आपस में बटे हैं। ये जो बात ये कह रहे हैं कि कोई शख्स ना ला इल्म हो और वो किसी आलिम से कोई बात जाके पूछे, तो जरूरी थोड़ी आलिम हर दफ़ा, हर वक्त, हर मौके पर उसको दलील बताए, और बाद अगर दलील समझ भी नहीं आ सकती हर शख्स को, हर आमी शख्स को जिसको उन्होंने उम्मी कहा है, कि जो उम्मी हो या आमी हो वो तकलीफ करे, नहीं। उसको हम कहते हैं एतबार, कि किसी आलिम पे उसने एतबार किया है, कि कोई सवाल पूछा, जवाब लिया, दलील नहीं मांगी तो उस पे एतबार किया है, इसको तकलीद नहीं कहेंगे हम। सही, ये तकलीद नहीं होती। और इस आयत से तो बिल्कुल तकलीद का वो दलील मिलती नहीं है, क्योंकि तकलील जिद है किसकी? तकलीद जिद है तहकीक की, ये आयत है ही तहकीक पे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, यहाँ अहले दिकर से मुराद तो यहूद नसारा और उनके बड़े हैं, और वो इस मसले में कहा गया था, तो ये तकलीद के लिए तो उन्होंने, अल्लाह ने आयत नाजिल की नहीं है। चलो अगर मान भी लें कि अहले जिक्र से मुराद अहले इल्म है, और बिल्कुल कहीं आप ले भी सकते हैं अहले इल्म मुराद, तो अहले जिक्र वाहिद है या जमा है? जमा है ना, तो हमें तो जमा से पूछने का हुक्म है, तो आपने क्यों चार में जमा कर दिए? यहाँ तो फसलु अहले जिक्र, कि अहले इल्म से जाके पूछो, तो फिर ये अहले इल्म चार ही क्यों है? चार के अलावा क्यों कोई नहीं है? ये बुखारी मुस्लिम क्यों नहीं है? ये सुफियान सौरी क्यों नहीं है? सुफियान बिन उयना क्यों नहीं है? इमाम जोहरी क्यों नहीं है? इमाम कादी अयास क्यों नहीं है? फुजैल बिन अयास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? और फिर चार को छोड़ के सिर्फ अपने ही इमाम की बात को सपोर्ट करना। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? आ गए, आने की माजरत। अच्छा जी, तो चार को भी कहना कि भाई एक की बात सही है, और तुम अगर चारों को मानोगे तो तुम गुमराह हो, एक को मानोगे तो तुम कामयाब हो, भले किसी भी एक को मान लो, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। और फिर अपने इमाम की बात को सही करार देने के लिए, अपने इमाम के, अपने मजहब की बात को सही करार देने के लिए दूसरों का मजाक उड़ाना, या दूसरों की बात को बिला दलील गलत कहना, ये कहीं से साबित नहीं होता। जबकि इस आयत के आखिर में ये भी है, क्या? बिलबैनाती वज़्ज़ुबुर, बिलबैनात, बैनात का क्या मानिए? दलाइल के साथ, वाज़े दलाइल, और ज़ुबुर किताबें देकर, यानी क्लियर कट एविडेंसेस से किसी की बात माननी है, अंधी तकलीद नहीं करनी। तो यहाँ तो उल्टा रद है तकलीद का, कहीं इसका सबूत तो कहीं से भी नहीं मिलता। वो अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ जिक्र को। जिक्र क्या है? अच्छा, यहाँ एक बात और भी है, अहले जिक्र। जिक्र कुरान में किस चीज़ को कहा गया? कुरान को और हदीस को, सुन्नत को। तो जो किताब और सुन्नत को पकड़ने वाले वो हुए ना अहले जिक्र, तो उनसे पूछना चाहिए, और किताब व सुन्नत वाले कौन हैं भाई? वो हैं कि जो आलुल हदीस हैं, जो हदीस के मानने वाले हैं, जो आलुल सुन्ना हैं, जो सलफ सालेहीन हैं,
वो हैं जो किताब और सुन्नत को फॉलो किए हुए, वो हैं जो किताब और सुन्नत को पकड़े हुए, उससे जाके क्यों पूछें जो खुद एक इमाम का मुकल्लद है। फिर ये कि इनसे पूछें कि भाई आम ही बंदा क्यों तकलीद करे, क्यों? क्योंकि भाई उसके पास दलील नहीं है, उसको दलील समझ नहीं आ सकती, इसलिए वो तकलीद करे। हम ही कहते हैं फिर चलो वो तो कर ले, इमाम क्यों करे? इमाम क्यों? इमाम जो आलिम है, जो बड़ा अल्लामा है, वो क्यों तकलीद कर रहा है? उसको दलील समझ आती है ना भाई, वो तो मसला समझ सकता है। और यही देखा गया है, यही तारीख में देखा है इमाम अबू हनीफा। अच्छा, मज़े की बात यह है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ना इसमें तासुब है, हमारे यहाँ जो हनफी हजरात हैं ये, इन्हें बहुत ज़्यादा तासुब है। किसी एक मज़हब के अक्सर अकवाल को मानना कोई मसला नहीं है, कोई अक्सर अकवाल किसी मज़हब के ले ले उसमें कोई मसला नहीं है। उस मज़हब, उस वजह से वो हनफी भी हो सकता है, वो शाफई भी हो सकता है, वो हम्बली भी हो सकता है, वो मालिकी भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह जन्नती है, शायद हमसे ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन किसी मसले में वाज़े किताब व सुन्नत के दलाइल आ जाएं और उसको ठुकरा दिया जाए तासुब की बुनियाद पर, ये सही नहीं है। और आज हम ये देखते हैं कि ये जो फ़िक़्हे हनफियत है, ये फ़िक़्हे हनफियत तो इमाम अबू हनीफा के फ़िक़्ह पे, इमाम अबू हनीफा के बयान करता तमाम फतवों पे मबनी है ही नहीं। पता है आपको ये बात, फ़िक़्हे हनफी इमाम अबू हनीफा की पैरोकार नहीं है 100%, वो तो इमाम अबू हनीफा से भी इख्तलाफ करते। इनके दो अजीम शागिर्द साहिबैन जिनको कहा जाता है, क्या नाम है? हाँ, काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। इन्होंने इमाम अबू हनीफा के दो तिहाई मसलों में इमाम अबू हनीफा की मुखालफत की है, दो तिहाई मसलों में, कि ये मसला इमाम अबू हनीफा को नहीं पहुंचा था, या ये हदीस नहीं पहुंची थी, इसलिए उनका मसला ये नहीं, ये मसला। तो ये हनफियत जो है ये इमाम अबू हनीफा की पैरों नहीं है, ये एक कहते हैं ना मुत्तफ़क़ अलैह, जो एक हनफी मजहब बन गया उसको मानने का नाम है। जबकि कुछ मकाम पर इमाम अबू हनीफा का जो फतवा है वो भी छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, उनका उनका कॉल भी छोड़ते हैं, उनका मौक़िफ़ भी छोड़ देते हैं। और न सिर्फ इमाम अबू हनीफा का बल्कि काजी मोहम्मद, काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का भी मौक़िफ़ छोड़ देते हैं। जैसे ये किताब है सिराजी, हाँ सिराजी, ये हनफी आलिम ने लिखी है और ये विरासत में बहुत बेहतरीन किताब है। ठीक, विरासत में कई मदारस में पढ़ाई जाती है, ये एहले हदीस मदारस में भी पढ़ाई जाती है, तो बहुत अच्छी किताब है विरासत के मसले में। लेकिन आखिर में इन्होंने एक बहस की है, हो सकता है आप लोगों ने बहस सुनी हो, कि एक औरत है उसका शौहर खो गया, अब क्या करेगी? हाँ जी, क्या हुक्म है? भाई औरत है, उसने शादी की, शौहर गुम हो गया, मफकूद कहते हैं इस वर्ग में, जहाद पे गया सब वापस आ गया, वो नहीं आया, ना शहीद हुआ ना कुछ हुआ, पता ही नहीं, सफ़र पे गया था लौटा ही नहीं, गायब है, क्या हुक्म है? इंतज़ार करे, बेहतरीन इंतज़ार तो करे, कितना इंतज़ार करे? 4 साल। और जी इमाम अबू हनीफा ने 120 साल का है, 120 साल तक वो इंतज़ार करेगी। हाँ जी, इन शॉर्ट दूसरी शादी नहीं करेगी, मर जाएगी बगैर शादी के, दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं। पहली बात, 120 साल शायद ही किसी की उम्र हो, फिर 120 साल के बाद शादी के काबिल भी कोई रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, इमाम मोहम्मद काजी अबू यूसुफ ने 110 साल का है, दूसरे ने 105 साल का है, और ये सिराजी वालों ने लिखा है कि बाज ने किसी का कौल है 90 साल, और हमारा अमल इसी पे ही है, 90 साल हमारा अमल इसी पे ही है कि 90 साल तक वो वेट करें। यानी इसके पीछे एक दलील है, उनका एक उसूल है कि जब तक इतनी उम्र ना गुजर जाए कि बंदा बंदे के बारे में कन्फर्म होगा तो ये भाई मर ही गया होगा, तो अब ये दूसरी शादी कर सकती है। सवाल ये है कि उसकी बीवी पता नहीं तब तक जिंदा रहे ना रहे। इमाम बुखारी ने क्या हद पेश की पता है किसी को? इमाम बुखारी, हाँ इमाम बुखारी ने 1 साल का है, उनका उसूल पता है क्या है? दुनिया के कोई भी चीज़ कीमती हो वो गुम जाए तो उसका 1 साल तक ऐलान किया जाएगा, उसका अगर मालिक आ जाए तो उसको लौटा दी जाएगी, नहीं तो खुद इस्तेमाल करेगा। 6 महीने का मतलब 1 साल, अल्लाह आलम, मेरे इल्म में। बहरहाल ये फिक्री बहस है, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो अपने फिक्री उस्ताद से पूछिएगा। कहने का मकसद ये है कि ये दलील नहीं बनती तकलीद की, और तकलीद जो आवाम करती है वो तकलीद नहीं कहलाती, वो एतबार कहलाता है, किसी एतमाद कहलाता है किसी आलिम पे। कबूल कौल बिला दलील, ये एतमाद है। हाँ, उसके मुखालिफ कोई दलील आ जाए फिर आप तहकीक करें, उस आलिम की बात मानना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अफ अमिन अल्लदीन मकरु सय्यात अन यखसफ अल्लाह बिहिम अल अर्ध अव यातियहुम अल अज़ाब मिन हैथ ला यशऊरून। ये पीछे मुशरिकीन मक्का के बारे में, उनके अकायद के बारे में तस्करा गुजरा है, तो अब ये बात मजीद उनके बारे में कही गई है कि अफ अमिन अल्लदीन मकरु सय्यात, तो क्या वो लोग मकरु सय्यात जिन्होंने बुरी तदबीरें की, अमीना, क्या वो अमन में आ गए हैं, यानी वो बेखौफ हो गए हैं किस बात से? अन यखसफ अल्लाह,
ये कि अल्लाह अय्यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, ये कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, ये कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून, या फिर उन पे अज़ाब ऐसे ले आए कि उनको इल्म भी ना हो। यानी अल्लाह ने यहाँ पे अपने अज़ाब की चार सूरतें बयान की, या तो ज़मीन में धंसा दे, और ऐसा भी होता है, अभी भी हुआ है कश्मीर में, जब भी जलजला आया तो ये देखने को ज़मीन एक झटके से खुली, लोग उसके अंदर गिरे, घर उसके अंदर दबे, और फिर ज़मीन वापस अपनी जगह पे आ गई। तो आज भी आपने देखा है कहीं बहुत जगहों पे एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, ज़मीन नॉर्मल थी, एक सिटी थी, अर्बनाइज सिटी थी, और एक बड़ा डेवलप्ड एरिया था, और देखते ही देखते उसमें इतना गहरा खड्डा हुआ, पूरी बिल्डिंग उसके अंदर जा गिरी। तो एक तो ये, और माजी में भी ऐसे ही हुआ है। किसके बारे में, किसको ज़मीन में धंसाया गया था जी, किसको धंसाया गया? पुराना जी, कुरान में है, कारून को, कारून को धंसाया गया था। कारून वो था बड़ा तकब्बुर के साथ चला करता था, माल मता बहुत था इसका। आपको पता है इसके खजाने की चाबियां कैरी करने के लिए हज़ारों का लश्कर चाहिए होता था, सिर्फ चाबियों को कैरी करने के लिए, खजाने को नहीं, उस खजाने की चाबियों को, कितनी चाबियां थी। तो ये भी बड़े अपने ठाट में गुजर रहा था, इसको और इसके साथ वाले लोगों को ज़मीन में धंसा दिया गया। वो बड़ा अच्छा वाक्य कुरान में आप पढ़ेंगे, गालिबन सूरह शुआरा में है शायद, अल्लाह आलम, कारून का वाक्य पढ़िएगा, बड़ी इसमें इंसान के लिए इबरतें हैं। मिन हैथु ला यशऊरून, तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है। तो ऐसे लोगों को ज़मीन, और हदीस भी है, चल और इन्हीं के, इसी के बारे में, कानून के बारे में, क़यामत के दिन तक ये ज़मीन में ढंसा रहेगा, क़यामत के दिन तक। और दूसरा अज़ाब क्या है, कि उन पर अज़ाब आ जाएगा, उनको पता भी नहीं होगा, इल्म ही नहीं होगा, और उन पर अज़ाब आ जाएगा। या फिर तीसरा तरीका क्या है, औ याखुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुजज़ीन, या फिर चलते फिरते के दौरान अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में, अपने डेली रूटीन में वो चल रहे होंगे, और उन पर अज़ाब आ जाएगा, फ़मा हुम बिमुजज़ीन, और वो किसी तरह भी अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं है, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह के तीन तरह के अजाब की दलील है। चौथा क्या है, औ याखुज़हुम अला तखव्वुफ, या फिर वो उनको पकड़ ले, अला तखव्वुफ, तखव्वुफ का माना खौफ ज्यादा होना, खौफ ज्यादा करके पकड़ ले, तखव्वुफ का एक माना खौफ ज्यादा करना है, और एक माना तनक्कुस भी है, तनक्कुस। हज़रत उमर एक दफ़ा मिंबर पे खड़े हुए थे, और यही सूरह नहल की आयत आई, ये आयत पढ़ी, और याखुज़हुम अला तखव्वुफिन, तो लोगों से पूछा उन्होंने, हाँ भाई तखव्वुफ का माना क्या है? तो किसी ने हाथ उठाया, उसने बोला इसका माना है तनक्कुस। और फिर उसने कोई अरबी अशार पढ़ा कि शायर ने तखव्वुफ से मुराद तनक्कुस लिया है। तनक्कुस माना क्या, आहिस्ता आहिस्ता कमी करना, आहिस्ता आहिस्ता कमी करना, ये तनक्कुस है, ये लुगत से माना गया। तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई तुम अपनी जाहिली अशार को पढ़ा करो, इसमें तुम्हारे तफसीर का इल्म है। तो अशार से लुगत साबित होती है, और हमने पढ़ा था कि तफसीर के तरीकों में से एक तरीका क्या है, तफसीर अल-कुरानी बिल्लुगा अल-अरबिया। तो तफसीर करनी करी जाएगी किससे, लुगत से। और लुगत कहाँ से पता चलेगी, क्लासिकल तरीके से आपको पता चलेगी ना। आपसे कोई पूछे भाई उर्दू में इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, आप कहाँ से बताएंगे, उर्दू अदब से बताएंगे। रोड पे चलते हुए किसी को पकड़ के नहीं पूछेंगे वो पता नहीं क्या जवाब दे दे। आप और मैं उर्दू का सही लफ्ज़ जो आज इस्तेमाल हो रहा है, जब भी थोड़ी असल ये क्लासिकल उर्दू, आप पुराने उदबा और पुराने जो शायर गुजरे हैं उनके कलाम को पढ़ेंगे, उनके कलाम को खोलेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई इस लफ्ज़ का ये मतलब है। तखव्वुफ का माना है खौफ ज़्यादा होना, और तनक्कुस का माना है आहिस्ता आहिस्ता कम करना। अब दोनों माना को मिलाएं, दोनों माना को मिला के माना ये बनेगा, ये तफसीरुल कुरान वालों ने ये इसकी जमा की है। उन्होंने कहा कि जी दोनों को मिला दें, दोनों को मिला के माना क्या बनेगा, कि खौफ ज़्यादा करके आहिस्ता आहिस्ता उनमें खौफ की वजह से कमी की जाएगी, यानी खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल कमी हो जाएगी, उनकी ताकत में कमी आ जाएगी, इस तरह अल्लाह उन पर अजाब लाएगा। चार तरीकों से, कौन से चार तरीके हैं अफनान अजाब के? आज तुम इतना दूर क्यों बैठे हो, हैं आ जाओ शाबाश, आज तुम टैबलेट लेके आयो पढ़े लिखे बच्चों की तरह, माशाल्लाह बैठो। हाँ जी
चार तरीके क्या हैं अल्लाह के अजाब के जो इधर आयत में जिक्र हैं? पहला ये, अल्लाह जमीन में धंसा दे, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा तरीका क्या है भाई? चलते फिरते आम मसरूफियत होगी, अजाब आ जाएगा। तीसरा? नहीं, ये तो दूसरा, चौथा है ये। हाँ, अब पहला ये, जहां से सोचेंगे भी नहीं वहां से अजाब आ जाएगा, गुमान भी नहीं होगा, यहाँ से भी परेशानी आनी थी, यहाँ से भी तकलीफ आनी थी, यहाँ से भी सजा मिलनी, वहां से हो जाएगा। तीसरा क्या है? चलते फिरते रूटीन में सही सलामत होंगे, अजाब आ जाएगा। और चौथा, खौफ, खौफ दिल में डाले जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कमी होती रहेगी। अवलम यरो इला मा खलक अल्लाह मिन शै यतफय्या यतफय्या उजिलालहु अनिल यमीन व शमाइली सुज्जदल लिल्लाह व हुम दाखिरून। अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा? ये सवाल नहीं है, ये डांट है। हाँ भाई, देखते नहीं हो तुम? जैसे डांटा जाता है किसी को, यही इसी तरह है। अवलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा? इला मा खलक अल्लाह, उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने पैदा की, मिन शईन, किसी भी चीज की तरह, जो भी चीज हो, यतफय्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी व शिमाली, जिसका साया लौटता है अनिल यमीनी व शमाइली, जी दाई और बाई। साया लौटता है जी, हाँ, असल में ये बाब है, फा यफी उफई अन, उससे बाब तफाउल है। तो लौटना, झुकना, ढलना, ये एक ही माना है। असल में सही तर्जुमा लफ्जी तौर पर तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि साया ढलता है या लौटता है, या फिर इन्होंने आपने क्या, झुकता है उसका साया सीधी और उल्टी जानिब, ठीक, इस हाल में कि वो सजदा करते हैं अल्लाह को, वहुम दाखिरून, और वो आजिज हैं, या फिर कह लीजिए कि वो मुती हैं, फरमा बरदार हैं, यानी उसकी जो एक्सट्रीम लिमिट होती है उसको दाखिर कहा जाता है। जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया वो सजदा करते हैं। हाँ, दाई और भाई। अब या तो हकीकतन सजदा करते हैं, ठीक है, या फिर अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सजदा करते हैं, ये यहाँ ये माना। अच्छा, एक शाह अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह ने इसकी बड़ी अच्छी तफसीर की। उन्होंने कहा कि जी, तो आपने देखा जैसे सूरज निकलता है, तो अगर यहाँ से सूरज निकला, ये जगह है, ठीक है, यहाँ यहाँ सूरज है, तो ये कोई चीज़ है, तो इसका साया कहाँ होगा? यहाँ होगा, राइट पे। सूरज ऊपर आ जाएगा, साया राइट से उठेगा, उस जगह पे आएगा, और एन सवाल के टाइम साया खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से इस तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, तो ये राइट से लेफ्ट हो गया, कि साया जो है हर चीज़ का राइट से लेफ्ट, यमीन और शमाल चलता रहता है, क्योंकि सूरज आके पीछे जाता है। और शाह अब्दुल कादिर ने कहा है, तो ने कहा कि ये मखलूक सजदा ऐसे करती है जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। ये मखलूक है, यहाँ सूरज है, जब यहाँ से ढलना शुरू होगा, तो जैसे इंसान पहले क़याम में होता है, फिर रुकू में जाता है, फिर सजदे में जाता है, तो ये जो उसका साया है वो भी इसी तरह ही होता है, कि साया भी आहिस्ता आहिस्ता पहले यूं होगा, फिर यूं होगा, और फिर यूं पूरा, जब सूरज नीचे आ जाएगा तो इतना लंबा साया हो जाएगा, और यहाँ तक के फिर साया खत्म हो जाएगा, इस तरह ये सजदा करते हैं जी। नहीं, शाह अब्दुल कादिर, यानी साया झुका और झुकते झुकते ढल गया, जैसे इंसान नमाज में खड़ा होता है, पहले आधा झुकता है फिर पूरा झुकता है, इस तरह वो अल्लाह को सजदा रेज़ होता है, ये भी अल्लाह को इस तरह सजदा रेज़ होता है, ठीक है जी। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, और अल्लाह ही के लिए सजदा कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है, व मा फिल अर्ज, और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है, मिन दाबतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून, दाबा में से, दाबा क्या है, चौपाओं में से, यानी हर वो चीज़ जो चलने वाली हो, चार पाँव पे चलने वाली हो, उसको दाबा कहते हैं, वल मलाइका, और मलाइका भी, यानी वो भी अल्लाह को सजदा रेज़ हैं, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकबर नहीं करते। इमाम शौकानी यहाँ कहते हैं कि मलाइका भी अल्लाह को सजदा करते हैं, तो जिन लोगों ने ये बात कही कि मलाइका अल्लाह की बेटियाँ हैं,
और उनके पास भी इख्तियार है, या अल्लाह का उन पे कोई इख्तियार नहीं, हुक्म नहीं, तो ये बात गलत है, क्योंकि फरिश्ते खुद अल्लाह को सजदा करते हैं, खुद अल्लाह के आगे झुकते हैं। अब यखाफून रब्बहुम मिन फौकहिम व यफअलून मा युअमरून, ये तो खुद डरते हैं अपने रब से जो इनके ऊपर है, मिन फौकहिम, अपने रब से डरते हैं जो इनके ऊपर है, व यफअलून मा युअमरून, और वो करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। यानी अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं करते, इनका अल्लाह के इख्तियारात में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि तो खुद अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, और वो अल्लाह का है। ये कह रहे हैं शाह अब्दुल कादिर जिलानी है, नहीं, ये शाह अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है, ये शाह अब्दुल कादिर शाह वलीउल्लाह के गालिबन बेटे हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ा, ये वो है, ये वो नहीं है, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह। जी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली, शाह अब्दुल कादिर, दो बेटे थे ना इनके मशहूर, शाह इस्माइल और शाह अब्दुल कादिर। हाँ, मैट्रिक की हिस्ट्री नहीं याद? मैं दो लेवल में पढ़ी थी, मुझे तो नहीं याद भाई, मैं तो नहीं था पढ़ाई में। अच्छा, हाँ पढ़ाई है ना, तो कौन है शाह वली उल्लाह के कितने बेटे थे, तो मशहूर कौन, शाह अब्दुल कादिर कौन है? पक्की बात है यही है उनके बेटे? हाँ, तो डिटेल का तो पूछ रहा हूँ मैं। जी, तो ये अपने रब से डरते हैं, तो उनका रब कहाँ है? उनके ऊपर है। तो यहाँ से क्या हुआ, अल्लाह की जिहत साबित हो गई। जिहत क्या होती है? डायरेक्शन। लोग कहते हैं भाई अल्लाह की कोई डायरेक्शन नहीं है, अल्लाह ना ऊपर है ना सामने है ना आगे है ना पीछे है ना दाएं है ना बाएं है ना ऊपर है ना नीचे है ना अंदर है ना बाहर है, कोई अल्लाह की कोई डायरेक्शन नहीं। आप जब अल्लाह की कोई डायरेक्शन साबित करेंगे, आप तो अल्लाह को महदूद कर रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, तो आप लामहदूद को महदूद नहीं कर सकते। इसलिए हमें नहीं पता अल्लाह कहाँ है, बाद ने ये भी कहा, और बाद ने ये भी कहा कि भाई ये पूछना ही गलत है कि अल्लाह कहाँ है, ये पूछना ही गलत है कि अल्लाह कहाँ है। तो भाई अल्लाह ने खुद कुरान में ये बात जिक्र की है कि अल्लाह ताला ऊपर है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। और ये पूछना, बल्कि इमाम मालिक से पूछा गया, इमाम, हाँ ये बात समझ लें कि अब अल्लाह कैसे मुस्तवी है, किस तरह बुलंद है, ये हमें नहीं मालूम। जैसे अपनी शान के लायक है, इमाम मालिक का मशहूर कौल है, आप सबको पता होगा, नहीं पता क्या है जी? खवातीन प्रॉब्लम तो नहीं? जी, इमाम मालिक ने कहा अल इस्तिवाउ मालूम, इस्तिवा जो है वो मालूम है, व कैफियतहु मजहूल, और उसकी जो कैफियत है भाई कैसे मुस्तवी है, मजहूल, ये मजहूल है। मजहूल का मतलब मजहूल सीखा। हाँ, मजहूल मतलब ला इल्मी है, जहालत से निकले, जहल से निकले मजहूल, यानी अल्लाह मजहूल नहीं है, अल्लाह की कैफियत हमसे मजहूल है, हमें नहीं पता, कैफियत है हमें नहीं पता, वो कैसा है, कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी उंगलियां कैसी हैं, उसका इस्तिवा कैसा है, उसका नुजूल कैसा है, हमें नहीं पता। वह सवाल अनहु बिदअ, और इसके बारे में सवाल करना, यानी कैफियत के बारे में सवाल करना, ये बिदअत है। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श में मुस्तवी है, और अपनी असमा सिफात के साथ सबके साथ है, और इससे अल्लाह कोई महदूद नहीं होता, और इससे अल्लाह की शान में कोई नक्स नहीं आता, क्योंकि ये अल्लाह ने खुद कहा है, तो अल्लाह ने खुद जिक्र किया है, तो इसके बारे में कलाम करना, इसको गलत कहना ही सबसे बड़ी गलती है। एक दफ़ा एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने अपनी बेटी गुलाम को थप्पड़ मार दिया था, तो ये बड़ा गमगीन होके कि मैंने अपनी गुलाम औरत को, लौंडी को थप्पड़ मार दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा कि क्या मैं इसको आज़ाद कर दूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या सवाल किया था, अईन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो क्या जवाब दिया, अल्लाहु फिस समाई, अल्लाह ताला आसमानों में है। इस समा, यहाँ फी से मुराद आला है, क्योंकि ये जो आपके हरूफ जारा होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे के माना में इस्तेमाल हो सकते हैं, पता है आपको? नहीं पता? हरूफ जारा एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ फी बमाना आला है, कि अल्लाह ताला अल्लाहु आला समा, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। पूछा फिर मन आना, मैं कौन हूँ? कहा अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने क्या कहा कि आतिक, इसको आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मुमिना, ये मुमिना है। अहले सुन्नत का यकीदा है कि हम इस बात का अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, अल्लाह ताला बुलंद है, अल्लाह ताला नुजूल करता है, अल्लाह ताला हर वक्त हर पल हर दम हमें देख रहा है, सुन रहा है। लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, क्यों? अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह सुनता है, इसलिए अल्लाह ताला हर जगह है। तो भाई ये तो हम हमारी मजबूरी है कि हर चीज़ हर वक्त देखने के लिए हमें वहाँ होना ज़रूरी होता है, बल्कि आज तो ये मजबूरी भी ख़त्म हो गई। आज आप यहाँ बैठे बैठे अपना घर देख सकते हैं, अपना ऑफिस देख सकते हैं, अपनी दुकान देख सकते हैं,
दुकान घर क्या, आप अमेरिका में क्या हो रहा है, किस कमरे किस घर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो अल्लाह तो किसी कैमरे किसी सैटेलाइट का मोहताज तो नहीं है, उसकी इल्म उसका इल्म तो लामहदूद है, सिफात कामिल है। तो जब हम किसी चीज़ का इल्म रख सकते हैं बगैर वहाँ मौजूद हुए, तो अल्लाह क्यों नहीं हो सकता, अल्लाह क्यों नहीं हो सकता। इस पर फिर कई उलमा ने किताबें भी लिखी हैं और इन किताबों का आप मुताला कर सकते हैं। इमाम जहबी ने, हाफिज़ जहबी रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है अलुलू अली अलगफ़ार, अलुलू अली अलगफ़ार, इतनी इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी। ये भी है, मैंने इस नाम से भी देखी है, अलगफ़ार के नाम से भी है शायद जी, मैंने अलगुलू अली अला, सही, मैंने इस नाम से किताब देखी थी। ये हाफिज़ जहबी किताब है, इसका इख्तिसार किया है इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने, अलमुख्तसर मुख्तसर अलुलू, मुख्तसर अलुलू। जिस तरह कई और किताबें उलमा ने लिखी हैं, असमाउल सिफात की जो किताबें हैं उसमें पूरे चैप्टर होते हैं, अकीदा वास्ते की भी किताबें उलमा ने लिखी हैं। वकौल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद फइय्याय फ़रहबून, और अल्लाह ने कहा ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, नहीं बनाओ दो इलाह, इस्नैन जब दो इलाह आ गए तो इस्नैन क्यों कहा जी, जब लफ्ज़ दो इलाहों का आ गया, इलाहैन तस्निया है नहीं है, ताकीद के लिए इस्नैन ताकीद के लिए आया है, इन्नमा हुआ इलाहु वाहिदुन फैया या फरहबून, बेशक वो एक ही इलाह है बस मुझ ही से डरो, वलहु माफ़ी समावाती वल अर्द वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तकून, उसी के लिए है जो आसमान और ज़मीन में है, वलहुद्दीनु वासिबा, और उसी के लिए तर्जुमा किया है ये हाफिज़ अब्दुलसलाम भुटवी साहब ने कि उस इबादत भी हमेशा उसी की है, इबादत भी हमेशा उसी की है, वासिब कहते हैं हमेशा, यानी हमेशा हमेशा का जो दीन है वो उसी के लिए है, अफ़गैर अल्लाह तत्तकून, जब पूरा का पूरा दीन उसी के लिए है तो क्या उसके अलावा तुम किसी से डरोगे, क्या उसके अलावा किसी से खौफ खाओगे। वमा बिकुम मिन जी, हाल होगा हाल, वलहुद्दीन हाल कौन ही वासिबा, और उसके लिए दीन है इस हाल में कि वो वासिब है हमेशा रहने वाला है। हाल नहीं पढ़ा ना आपने अभी तक जी, हाल पढ़ेंगे आप, ये नवासिब में से है, नवासिब से मुराद नहीं जो मनसूबात है, सॉरी नवासिब नहीं, जो मनसूबात हैं उनमें से है। मनसूबात कितने हैं, 12, ठीक, पाँच तो वहाँ फाइल हैं, फिर बाकी जो बचते हैं उनमें एक ये हाल आता है, मफूल है जी। वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, और जो भी कोई नेमत तुम्हें तुम्हारे पास है वो अल्लाह की तरफ से है, तुम इदा मस्सकुम दुर्रु, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ आती है फइलैहि तजअरून, तो तुम उसी की तरफ तो गिड़गिड़ाते हो, यानी नेमतें तुम्हें अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ आती है तो पुकारते अल्लाह ही को हो। जितना ही कोई बड़ा ठाट बाट वाला आदमी क्यों ना हो, फाजर व फासिकी क्यों ना हो, जब भी कोई चोट आती है तकलीफ आती है तो जबान से हाय अल्लाह ही निकलता है, फरियाद अल्लाह ही को इंसान करता है। मुशरिकीन भी ये फंसते थे तो यही काम किया करते थे। सुम्मा इज़ा कशफ़ा दुर्रु अन्कुम इज़ा फ़रीकुम मिन्हुम बिरब्बी यशरिकून, ये वही वाली बात है जो आपने कही है कि मुशरिकीन जब फंसते थे तो दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहु दीन, एक अल्लाह को पुकारते थे, फ़ैदा नज्जाहुम इलल बर्री, जब उनको खुशकी की तरफ निजात देता इज़ा हुम यशरिकून, तो वो शिर्क करना शुरू हो जाते। और यहाँ भी यही, सुम्मा इज़ा कशफ़ा दुर्रु अन्कुम, जब उनसे तकलीफ हटा दी जाती, तुमसे तकलीफ हटा दी जाती, तो तुम में से एक ग्रोह है वो होता, एक ग्रोह फरीक तुम में से कैसा होता, वो रब के साथ शिर्क करता। ठीक है जी, नहीं, ये इसकी जगह अला, हर जगह अला नहीं लगाया जाएगा, सियाक को देख के अला का तर्जुमा किया जाएगा। इधर तो आसमानों में जो कुछ है, आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह के लिए। हाँ आयत सजदा, आइए सजदा बाद में भी कर सकते हैं और ना भी करें तो कोई मसला नहीं। हजरत उमर एक दफ़ा यही सूरत नहल पढ़ रहे थे तो वो बयान कर रहे थे, आयत सजदा आई, उतरे सजदा किया और वापस सबने सजदा किया और वापस मंबर पे आ गए। फिर अगले हफ्ते दोबारा ये आयत पढ़ी या ये सूरत पढ़ी, आयत आई तो उस वक्त सजदा नहीं किया, और ये बताया कि जो सजदा करे तो बहुत अच्छी बात है और जो सजदा ना करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, सजदा लेकिन कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है जी, सुभान अल्लाह।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، جناب الدرس 11، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 11 الدرس في الدرس الحادي عشر الدرس الحادي يا عشر فير الدرس الحادي بعدين جيب في الحافلة في الحافلة يارواح سبق في الحافلة بسمة. السلام عليكم. اچھا یہ جو وعلیکم السلام جی بالکل بالکل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسمک یا اخی اسمی عبد اللہ ومسمک اسمی فیصل اطالب. ترجمہ کرنا ہے ساتھ ساتھ جہاں پہ نہیں سمجھ میں بتا دیں، یہاں تک تو میں وہی پوچھ رہا تھا کہ اسمی کرنے چلیں. مسمک یا اخی تمہارا نام کیا ہے اے میرے بھائی. اسمی عبد اللہ ومسمک میرا نام عبداللہ ہے اور تمہارا نام کیا ہے. اسمی فیصل میرا نام فیصل ہے. اطالب انت یا عبد اللہ یا عبد اللہ میرا نام فیصل ہے. اطالب انت کیا تم طالب علم ہو یا عبد اللہ اے عبداللہ. نعم جی ہاں. اینا تدرسو یا اخی آپ کہاں پڑھتے ہیں اے میرے بھائی. ادرسو بجامعۃ الرياض میں ریاض کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. فی ای کلیت تدرسو کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں آپ. کون سے ڈپارٹمنٹ میں جماعت نہیں آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں یا کون سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. ادرسو فی کلیت الہندسہ. ہندسہ کیا مہندس کون ہوتا ہے. انجینئرنگ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں. فی ای سنت تدرسو آپ کون سی فیلڈ میں سنت کون سے ایئر میں آپ کون سے سال میں پڑھتے ہیں. ادرسو فی سنت ثانیتی میں سیکنڈ ایئر یعنی دوسرے سال میں پڑھتا ہوں. اتعرف المہندس سلمان کیا آپ انجینئر سلمان کو جانتے ہیں. شیشے میں دیکھتے رہتے ہیں طبعا یعنی ظاہر سی بات ہے طبعا معنی ظاہر سی بات نیچرلی بالکل آپ پہ اپلائی ہو رہا ہے طبعا ظاہر بات ہے بالکل ہوا استادی. یس آف کورس یس آف کورس ہوا استادی وہ میرے ٹیچر ہیں. ہوا احسن مدرس الکلیتی وہ احسن مدرس فی الکلیتی اچھا فی بھی دبا ہوا تھا سائیڈ ہوا احسن مدرس فی الکلیتی وہ سب سے بہترین استاد ہیں ہماری ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہماری فیکلٹی کے ہمارا نہیں ہے فی الکلیتی وہ فیکلٹی کے ڈپارٹمنٹ کے بہترین استاد ہیں. صحیح. من ہاؤلاء الفتیۃ الذین معک کأنہم اخوتک من ہاؤلاء کون ہیں یہ لوگ. الفتیۃ الذین معک یہ جوان لڑکے یہ نوجوان لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. کأنہم اخوتک گویا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں بھائی معلوم ہوتے ہیں. جی نعم جی ہاں. ہاؤلاء اخوتی یہ میرے بھائی ہیں. لی اربعۃ اخوتن میرے چار بھائی ہیں. وثلاث اخواتن اور تین بہنیں ہیں. این یدرسو ہاؤلاء وہ کہاں وہ لوگ کہاں پڑھتے ہیں. اما اخوتی فکلہم یدرسون بالجامعہ اما اخوتی جہاں تک بہنوں کی بات ہے اخوتی بھائیوں کی بات ہے فکلہم تو وہ سب کے سب یدرسون بالجامعہ تھی سب پڑھتے ہیں بالجامعہ تھی یونیورسٹی میں. عیسیٰ وہو اکبر منی عیسیٰ وہ بڑا ہے مجھ سے. یدرسو فی کلیت طب وہ پڑھتا ہے فی کلیت طب میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں. صحیح پڑھیں و ابراہیم یدرسو فی کلیت تجارہ اور ابراہیم کامرس کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے یا ٹریڈ کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے. تجارہ ہاں بزنس کامرس ایک بات یس ٹریڈ اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے. ٹریڈ تو نہیں یوز کیا جاتا عام طور پہ بزنس ڈپارٹمنٹ یا پھر کامرس فیکلٹی آف کامرس. و اسحاق یدرسو فی کلیت الآداب اور اسحاق پڑھتا ہے لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں آداب یس لٹریچر لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے. اسماعیل یدرسو فی کلیت العلوم اور اسماعیل جنرل نالج علوم سائنسز کلیت العلوم علوم سائنسز جی اور اسماعیل سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے. وہاؤلاء ثلاثۃ اصغر منی اور یہ جو میری بہنیں ہیں ثلاثۃ اصغر منی یہ تین بہنیں نہیں ہیں. وہاؤلاء عیسیٰ تھا ابراہیم تھا اسحاق تھا یہ تینوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا ایک بھائی وہ پہلے والا وہ بڑا ہے اور باقی یہ چھوٹے ہیں ابراہیم اسحاق اور اسماعیل بہت چھوٹے ہیں جی. وامل اخوات اور جہاں تک تعلق جہاں تک بہنوں کی بات ہے فیدرسنا فی المدرسۃ المتوسطۃ
तो वो सब पढ़ती हैं फिल मदरसतिल मुतवस्सिता मिडिल स्कूल में। सही वज़ैनबु तदरुसु फिस सनतिल उला, और ज़ैनब उनमें से पढ़ती है सनतिल उला फर्स्ट ईयर में। वसलमा तदरुसु फिस सनत थानियती, और सलमा पढ़ती है सनत थानिया तीसरे साल में दूसरे साल में। वलैला तदरुसु फिस सनत थालिथती, और लैला पढ़ती है तीसरे साल में। सही फी अय मदरसतिन तदरुसु अखवातुक, आपकी बहनें फी अय मदरसतिन, कौन से मदरसे मदरसे को अब यहाँ पे क्या कहेंगे? स्कूल स्कूल में स्कूल में तदरुस अखवातुक, आपकी बहनें कौन से मदरसे में कौन से स्कूल में पढ़ती हैं। यदरुसना फी मदरसति सही सही माइक वाले की आवाज ऑनलाइन नहीं जा रही भाई जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा एक सेकेंड। आप अना तस्करून अंतुम, तुम सब कहाँ रहते हो? इखवती यस्करून फी महाजिअ जामियाती, मेरे भाई रहते हैं जामिया के महाजिअ में। महाजिअ किसको कहते हैं? हॉस्टल्स को। महजाउन की जगह महाजिअ। अम्मा अना, जहाँ तक मेरी बात है, फअस्कुनु मा करीबिन ली, फअस्कुनु तो मैं रहता हूँ, करीब कहते हैं रिश्तेदार को, रिश्तेदार को, रिलेटिव को, ली मेरा, तो मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता हूँ। अब मुतजविजुन अंत या अब्दुल्लाह, क्या आप शादीशुदा हैं अब्दुल्ला? ला लस्तु भी मुतजविज, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। रीड करने की कोशिश करें, देखें आवाज़ आती है जी। बताइएगा ऑनलाइन आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? ला लस्तु भी मुतजविजिन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आई इनके रीड करने की आपको? ओके आ गया। मा उनवानुक, मा उनवानुका, आपका आपका क्या सब्जेक्ट है? एड्रेस, 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 उनवान कहते हैं एड्रेस को, पता। आपका क्या पता है, आपका क्या एड्रेस है? मिठाई भिजवानी है घर पे। हाज़िही बिताकती फीहा उनवानी, बिताका कहते हैं विजिटिंग कार्ड, कार्ड को, सही। बिताकती, ये मेरा कार्ड है, फीहा उनवानी, इसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। अशकुरुका या अखी, मैं आपका बहुत शुक्र, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई। अना मसरूरुन बिलिकाइक, और मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, महसूस हुआ मैं। अना सअंजिलु फिल महत्वतिल कादिमती, अना सअंजिलु, अनजिलु नज़ला, यनजिलु का मतलब होता है उतरना, उतरना। सअंजिलु ये सीन कर देता है मुस्तकबिल के लिए, तो मैं अनकरीब उतरूंगा। कहाँ उतरूंगा? फिल महत्वतिल कादिमती। ये लोग कहाँ पे हैं? शुरू वाली लाइन क्या थी, पहली वाली? फिल बस में है, तो ये क्या कह रहा है कि मैं कहाँ उतरूंगा? अगले स्टॉप पर, महत्वा स्टेशन, बस स्टेशन, कादिमा आने वाला, तो मैं आने वाले स्टेशन पे उतर जाऊंगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान में। व इला लिकाई, अल्लाह क्या नेक्स्ट है, टाइम, इला लिकाई, इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक। हाद अल बाबी असाइक, साइक कौन होता है? ड्राइवर, ड्राइवर, साइक ड्राइवर, बस में है तो बस का ड्राइवर। फैसल को क्या कह रहा है? हाद अल बाबू लिदुखूल या सैयदी, सर ये आपका हाद अल बाब, ये दरवाजा है, ये एंट्रेंस गेट है, या लिदुखूली सैयदी, दाखिल होने के लिए, ये दरवाजा दाखिल होने के लिए है। इस किताब में या अखी है मेरे भाई, या सईदी सर, सर बिल्कुल। अन्नुजूलु, अन्नुजूला, अन्नुजूलु मिन हुनाका, उतरने का जो रास्ता है वो वहां से है। बस में होते हैं ना दो गेट्स, दो दरवाजे होंगे, तो एक चढ़ने का है, दूसरा उतरने का है। तो ये जिस दरवाजे से उतरने की कोशिश कर रहा था, तो ड्राइवर कहता है कि ये दरवाजा जो है वो दाखिल होने के लिए, आप उतरने का रास्ता वहां से है। ठीक है जनाब, अगर कोई चीज़ बीच में क्लियर नहीं है तो नमाज के बाद इंशाल्लाह उसको देख लेंगे, रखूंगा फिर से। السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد جي الدرس الحادي عشر، باسج من كل شيء زي سيدي كلير ناو كوي ورد كوي شيء كلير ناو تو بتائیں کیا کلیئر نہیں کچھ بھی کلیئر نہیں ہے تو پھر فرسٹ ایئر جا کے ریپیٹ کر لیں
मैं थोड़ी पढ़ाऊँ, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे, मेरे से क्या पढ़ा रहे? मैं फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा सका, यहाँ नहीं पढ़ा सका, तो वापस फर्स्ट ईयर में यहाँ पढ़ा दूँ? अगर अभी तक एक भी चीज़ समझ नहीं आई तो फिर क्या करें? सब समझ आ गया माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फीक। जी बी लिका, लिका कहते हैं मिलने को, मुलाकात को। और लिका इक्का का क्या मतलब हो जाएगा? आखिर में काफ क्या करेगा? किताबी, किताबू का, किताबू का क्या मतलब हो जाएगा? किताबू का हाजा किताबी, हाजा किताबी। और जा का किताबू का, आपकी किताब। या आखिर में काफ क्या कर रहा है? आपकी कर रहा है। तो लिका का मतलब होता है मुलाकात, लिका उका का क्या मतलब हो जाएगा? आपकी मुलाकात। अना मसरूरुन, अना मैं हूँ, क्या हूँ? मसरूरुन, खुश हूँ। किस चीज़ से खुश हूँ? बे लिका, आपकी मुलाकात से, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई। जी अच्छा जी, ये दो तीन एक्सरसाइजेस छोड़ने के बाद देखें, यहाँ पे लिखा है तअम्मल अल-अम्थिला, मिसालों पर गौर करें। सुम्मा ग्वा फिल फरागी फीमा यली, फिर क्या करें? ग्वा फिल फरागी फीमा यली, ग्वा का मतलब क्या होता है? लिखें, फिल करें, फिल फरागी, फराग खाली जगह पे, फीमा यली मुंदरजा ज़ैल में क्या रखें? अल मुबारिया, पहले मुबारे को रखें। किस फेल से? ज़हबा, ज़हबा के फेल से जो फेल मुजारे आता है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे? बाद इसनादिही इला ज़मीरी, उसको उसकी अप्रोप्रिएट ज़मीर के साथ। मसलन अब्दुल्लाही यदुरुसु, यदुरुसु किस वज़न पे है? यफ़उलु, ठीक है, यफ़उलु वाहिद मुजक्कर का सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब, अब्दुल्ला की बात हो रही है तो वाहिद मुजक्कर गायब हो गया, अब्दुल्ला पढ़ता है। बिजामियत रियाज़ी, कहाँ पे? रियाज़ यूनिवर्सिटी में। व इख्वतुहु, और इख्वतुहु उसके भाई, उसके भाई, अखुन इज एक भाई, इख्वतुन इज जमा, तो वह इख्वतुहु और उसके भाई, अयज़न वो भी क्या करते हैं? अयज़न वो भी करते हैं, यद रुसूना पढ़ते हैं। पहले क्या था? यफ़उलु का वजन था, अब जमा मुजक्कर का आ रहा है तो क्या हो गया है? यफ़उलूना, आखिर में वाउनून ऐड कर दिया है। वाहिद के लिए यफ़उलु, जमा के लिए यफ़उलूना। बिजामियत रियाज़ी व अखवातुहु, अखवात कौन होती हैं? बहनें, यानी जमा मुअन्नस गाइब की बात हो गई, तो जमा मुअन्नस गाइब के लिए क्या फेल आया? यद रुसना, यद रुसना यफ़उलना, यफ़उलना के वजन पे फिल मदरसतुल मुतवस्सिता। वाहिद के लिए यफ़उलु, जमा के लिए यफ़उलूना, और जमा मुअन्नस के लिए यफ़उलना। और फिर ज़ैनबु, अब ज़ैनब कितनी है? वाहिद मुअन्नस, तदरुसु क्या करती है वो? तदरुसु पढ़ती है, किस वजन पे? तफ़उलु के वजन पे, फिस सनतिल उला पहले साल में। वाहिद मुजक्कर के लिए क्या वजन था? यदरुसु यफ़उलु, जमा मुजक्कर के लिए क्या हो गया? यफ़उलूना, आखिर में वानू लेकर। वाहिद मुअन्नस के लिए क्या है? वाहिद मुअन्नस ज़ैनबु तदरुसु तफ़उलु, तफ़उलु और जमा मुअन्नस के लिए यफ़उलना। तो जब हम ज़हाबा के लिए करेंगे तो हुआ, हुआ से क्या बन जाएगा? हुआ के लिए ज़हाबा से, ज़हाबा का मुज़हरे क्या बनेगा? यज़हबु, वाहिद मुज़क्कर के लिए बन जाएगा यज़हबु, जमा मुज़क्कर के लिए क्या बनेगा? यज़हबूना, बारकल्लाहु फीक, यज़हबूना। हुआ यज़हबु, हुम यज़हबूना। फिर हिया वाहिद मुअन्नस के लिए तज़हबु, तज़हबु, ठीक है, वाहिद मुअन्नस हिया के लिए तज़हबु, और जमा मुअन्नस हुन्ना के लिए यज़हबना, यज़हबु यज़हबूना, तज़हबु यज़हबना। अब इन चार सीखों को नीचे जो अच्छा खैर दूसरे भी होंगे, पहला सेंटेंस क्या है? अभी, अभी के लिए क्या इस्तेमाल होगा? यज़हबु, अभी यज़हबु इला सूक़ी कुल्ला सबाहिन, क्या करते हैं अब्बू? हर रोज़ जाते हैं सूक, बाजार, ठीक है, मेरे अब्बू जाते हैं बाजार की तरफ, कुल्ला सबाहिन हर रोज़, हर सुबह। अफसानी अत्तुल्लाबू, अत्तुल्लाबू जमा मुज़क्कर यज़हबूना, बारकल्लाहु फीक, अत्तुल्लाबू यज़हबून अलआना इला अलमुदीरी, मा मअना हाज़ा? जाएंगे या जा रहे हैं? नहीं, जा रहे हैं, अलआना आ गया, तो अलआना, अलआना का क्या मतलब? इस वक्त, अभी, सही। अस्सालिस उख्ती हिया,
واحد مؤنث فتذهب بارك الله فيكم تذهب أختي تذهب إلى المدرسة جيد ما معنى هذا أختي تذهب إلى المدرسة تذهب تذهب كما مطلب ذهب يذهب كما مطلب يعني जाती है या जा रही है जाएगी कब जाएगी मदरसे स्कूल की तरफ सही الرابع آمنة وفاطمة وعائشة यानी जमा मुअन्नस يذهبن الآن إلى المكتبة ये सब जाएंगी या जा रही हैं नहीं बल्कि जा रही हैं الآن इस वक्त إلى المكتبة लाइब्रेरी की तरफ अब नंबर 5 الخامس أين अब أنت से बात हो रही है तो أنت के लिए भी क्या इस्तेमाल होगा अब अंता के लिए मुखातब का इस्तेमाल होगा जो कि तफ़ालु के वजन पे ही है तज़हबु अंता तज़हबु अईना तज़हबु अंता या अहमद ए अहमद अईना तज़हबु आप कहाँ जा रहे हो और अंता नहीं भी लगा तो भी काफ़ी और अना के लिए क्या हो जाएगा अना अना अज़हबु अना अज़हबु अल आना इलल मस्जिद अना अज़हबु मैं जा रहा हूँ इस वक्त मस्जिद की तरफ هو يذهب هم يذهبون هي هي تذهب تذهب هن هن يذهبن انت تذهب انا اذهب انا اذهب ونحن نذهب نذهب जब नाम आता है ना तो नामों में अक्सर इस इबिन का हमजा हटा दिया जाता है उसकी वजह ये कसरत इस्तेमाल क्योंकि बहुत सारे नामों में इस तरह बिन आता है तो वो अलिफ को प्रोनाउंस वैसे ही नहीं करना है तो बार बार लिखने की वजह उस अलिफ अलिफ को यानी हमजतुल वसल को लिखने से भी हटा देते हैं नामों के बजाय कार्ड बिताका हदीस बिताका एक मशहूर है हदीस जिसमें जो एक शख्स जो है गुमान करेगा कि मेरे पास निकिया नहीं है फिर एक कार्ड पे ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तो वो हदीस बिताका के नाम से मशहूर है कार्ड पेट्रोल स्टेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया अब यहाँ पे बस का कॉन्टेक्स्ट है तो बस का स्टेशन होगा ट्रेन का कॉन्टेक्स्ट होगा तो ट्रेन का स्टेशन हो जाएगा पेट्रोल का कॉन्टेक्स्ट होगा पेट्रोल का स्टेशन हो जाएगा आने वाला यानी कमिंग माजिया गुजरा हुआ कादिमा आने वाला सनत यानी इस तरह माजी और कादिम दोनों इस्तेमाल होते एक सेकंड रख लीजिएगा अपनी एक सवाल पुराना है डेली कुल्ला सुबह से मुराद में आना है मॉर्निंग टाइम कुल्ला सुबह सुबह क्योंकि जिक्र है तो फिर जो है वो मॉर्निंग टाइम ही करें यानी डेली मॉर्निंग में जाते हैं आयतुन अंती के लिए तजहबु नहीं इस्तेमाल होगा अंती के लिए तजहबीना इस्तेमाल होगा उख्ती के साथ तजहबु आएगा नंबर 4 में यजहबना आएगा तजहबना नहीं यजहबना और अना के लिए अजहबु होगा जी रियान आपको कहते हैं आप अब्दुल्ला या अब्दुल्ला वरना अब्दुल्ला अगर अब मरफू होगा तो अब्दुल्ला अगर उसको पुकारेंगे तो या अब्दुल्ला मंसूर होगा जी जमा मुअन्नस के लिए यह सबना अलान अकमिल الجمل الاتيه بوضع فعل مضارع مناسب अब आपने फेल को डिसाइड करना है और उसको एप्रोप्रिएट यूज करना है जी الاول الطلاب और फिर आगे है كرة القدم और كل اسبوعين كرة القدم का क्या मतलब है फुटबॉल फुटबॉल के साथ طلاب क्या कर सकते हैं खेल सकते हैं खेलने के लिए खेल का इस्तेमाल होता है لعيبه مضارع يلعبوا لعب يلعبوا يلعبوا تو الطلاب کیا کریں گے يلعبون جی جمع ہے نا يلعبون الطلاب يلعبون كره القدم كل اسبوعين اسٹوڈنٹس کھیلتے ہیں فٹ بال ہر ہفتے اخوانی المدرس مدرس کچھ کر رہے ہیں کس چیز کو الدرس درس کو کچھ کر رہے ہیں على السبورة بورڈ پہ تو مدرس بورڈ پہ درس کو کیا کر رہے ہوں گے لکھ رہے ہوں گے لکھنے کے لیے کیا فعل ہوتا ہے ماضی مضارع ہوتا ہے माजी मुजारे पहले फेल तो बताएं लिखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है कतबा यक्तुबु इस्तेमाल होता है तो अल मुदर्रिसु के लिए हम क्या कहेंगे अल मुदर्रिसु यक्तुबु हुआ यक्तुबु दरअसल अल सबूरती बोल बोल अखवाती असियाब बिसाबून सियाब क्या होते हैं जम्र सऊब कपड़े बिसाबून साबुन से अखवाती मेरी बहने फेल क्या है गसला यगसिलु हुआ यगसिलु हुन्ना क्या हो जाएगा यगसिलना अखवाती
يغسلن الثياب بالصابون. جيد. ثم الرابع أنا القرآن كل صباح. अगर याद करने का है तो क्या फेल है? पहले फेल बताया हाफिज़ा यहफ़ज़ु, तो अना अहफ़ज़ु हाफिज़ा यहफ़ज़ु समीअ यस्मा हाफिज़ा यहफ़ज़ु अना अहफ़ज़ु. अगर पढ़ने के माने में कहेंगे तो क्या फेल होगा? क़रा यक़रा अना अना अक़रा. बारिक अल ख़ामिस आ अल अख़बार मिन अल इज़ाअति कुल यौम या अब्दुल्लाह. अब्दुल्लाह से क्या हो रही है? बात हो रही है, खबरें सुनने की बात हो रही है. तो समीअ यस्मा समीअ यस्माउ. अब समीअ यस्माउ अब्दुल्लाह से बात हो रही है तो अब्दुल्लाह है अंता, तो अंता तस्माउ. हुवा यस्माउ अंता तस्माउ. अतस्माउ अलअखबार मिन अलइदाअति कुल यौम या अब्दुल्लाह. ثم السادس الطالبات. طالبات हैं, क्या कर रही हैं? इलल मदरसति बिहाफिलतिल मदरसति. ज़हबा यज़हबु जा रही हैं स्कूल, स्कूल की बस में. तो अतालिबातु अतालिबातु यद हबना हुन्ना यज़हबना अत्वालिबातु यज़हबना इलल मदरसति बिहाफिलतिल मदरसति. अस्साबिअ आ अल अज़ाना फी गुरफतिका या अली. या अली अंता, अली से बात हो रही है. अज़ान को वो क्या कर सकता है? सुन सकता है. सुनने के लिए क्या फ़ायदा? समीअ यस्माउ अंता तस्माउ. अतस्माउ अल अज़ाना फी गुरफतिका या अली, क्या तुम अज़ान को सुनते हो अपने कमरे में ए अली. थुम्मा अस्सामिन अत्तुल्लाबु अल मुदर्रिस अस्इलतन कसीरा. स्टूडेंट्स टीचर से असीलतन कसीरा क्या करेंगे? असीलतन कसीरा का यानी क्वेश्चंस को क्या करेंगे? स्टूडेंट टीचर से जवाब मांगने को क्या कहते हैं? सवाल करेंगे ना, सवाल करेंगे. सवाल करने के लिए क्या फेल होगा? सअला यसअलु अत्तुल्लाबु यसअलूना यफअलूना हुम यसअलूना अत्तुल्लाबु यसअलूना अल मुदर्रिस असीलतन कसीरतन. अन्निसाउ अत्तुफाह. अत्तुफाह माना सेब. निसा अत्तुफाह के साथ क्या करेंगी? खाने को. खाने को क्या कहते हैं? अकला याकुलु. फन्निसाउ याकुलना हुन्ना याकुलना यफ़अलना के वजन पे याकुलना. अन्निसाउ याकुलना अत्तुफाह सेब यानी खाने पीने की चीज़ों में या खासकर फ्रूट वगैरह में. अत्तुफाह का यहाँ से मुराद एक सेब नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे क्या मुराद होगी? सेब खा रही है यानी कि मल्टीपल की बात हो रही है. العاشر المديرة الآن من مكتبها. ये من का अपने ख्याल रखना है. मुदीरा अपने मकतब, क्या था? ऑफिस. मकतबतुन लाइब्रेरी था, मकतब जो है वो ऑफिस हो जाएगा. अपने मकतब से क्या कर रही होंगी? خرج يخرج فالمديرة تخرج هي تخرج الآن من مكتبها. ثم الحادي عشر أنا في كلية الهندسة. आना फिर कुलियत हंदसा. कुलियत हंदसा में मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ. फेल क्या है? माँ फेल दरसा या दुरुसु. आना आना अदरुस आना अदरुसु फिर कुलियत हंदसा. मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ. तुम बात डाले उख्ती अल आना दुरुसा फिर दफ्तरी. दफ्तर क्या होता है जी? रजिस्टर. रजिस्टर में दुरुस का क्या कर रही होंगी मेरी बहन? लिख रही होंगी. लिखने का क्या फायदा? كتب يكتب فاختي اختي واحد واحد مؤنث هي اختي تكتب. بارك الله فيك. اختي تكتب الان دروسها في الدفتر. میری بہن لکھ رہی ہیں اپنے درس کو اپنے لیکچرز کو رجسٹر. المديره تخرج الان من مكتبها. تخرج الان سے ملانے کے لیے اس کو ملا رہے ہیں ورنہ تخرج فعل. العاشره دروسها. دروسها مضاف مضاف الیہ. दुरुसहा मुदाफ और मुदाफ इलैह. एक वर्ड मुदाफ मुदाफ इलैह कैसे होगा? मुदाफ क्या पूछ कर दुरुसा मुदाफ है. हा ज़मीर जो है मुदाफ इलैह. मुज़ारे हिया ज़मीर नहीं समझ में आ रहा. तफ़अलु के वजन पे है. तफ़अलु तदरुसु तज़हबु तख़रुजु तअकुलु तक़रअु. ठीक है जी. शुरू में ता है, सिंपल सी बात है. मुज़ारे हिया में. ओके जी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे रुकते हैं. कल फिर उम्मीद है कि आगे चलेंगे. मुखातब और वाहिद मुअन्नस के लिए सेम ही वर्ड है, ठीक है? मुखातब और वाहिद मुअन्नस के लिए सेम ही वर्ड है. कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि कहाँ पे क्या मुराद है, ठीक है? गुरफा कमरा रूम.
वाहिद है, गुरफतुन वाहिद है, गुरफ उसकी जगह, गुरफतु का वो का जमीर है ना, वो का की वजह से आप السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صفحہ نمبر 11 ہے النسخ لفظ النسخ اس کے دو معنی ہوتے ہیں اس کا لغوی طور پر ایک معنی ہوتا ہے نقل کرنا جس طریقے سے آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے اس کا ایک لغوی معنی ہے نقل کرنا آپ مثال سے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کے سامنے ایک کتاب ہوتی ہے اور اس کتاب کی جو معلومات ہے وہ آپ اپنی کاپی کے اندر نقل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ نسخ استعمال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر معلومات کو منتقل کرنا جس طرح ہم اس کے لیے انگلش میں کاپی کا لفظ بولتے ہیں آپ دیکھا ہوگا نا کہ ہم جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کاپی اور پیسٹ عربی میں الفاظ ہوتے ہیں نسخ کاپی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نسخ کاپی کرنا اس کے لیے لسخ لام سواد اور قاف یہ پیسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے چپکانا پیسٹ یعنی کسی چیز کو چپکا دینا تو اس کے لیے لسخ اور اسی سے جو اسٹیکر ہوتے ہیں ان کو بھی لاسقہ یا لسخ کہا جاتا ہے جی دوسرے کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک معنی سمجھ گئے اس کا ایک معنی ہوتا ہے نقل کرنا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زائل کرنا ہٹا دینا ختم کر دینا زائل زائل کرنا عربی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے نسخت الشمس ظل کہ سورج نے سائے کو ہٹا دیا تو جس طرف ایک دیوار ہو اور جب سورج طلوع ہو تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ سایہ ختم ہو جائے گا لیکن جب سورج اس طرف آ جائے گا تو پھر وہاں سے جو دیوار کا سایہ ہے آہستہ آہستہ اس سایہ کو وہ ختم کرتا چلا جائے گا سورج تو کسی چیز کو ختم کر دینا زائل کر دینا ہٹا دینا تو اس کے لیے بھی لفظ نسخ استعمال ہوتا ہے لغوی معنی لغوی جی ہاں یہ دونوں لغوی معنی اس کے اگر آسان لفظوں میں لکھنا چاہیں تو ان میں سے ایک معنی کہیں گے النقل پہلا معنی کہیں گے النقل نقل کرنا اور دوسرا معنی کہیں گے الازالت نقل کرنا اور دوسرا النقل اور دوسرا معنی ہے اس کا الازالت کسی چیز کو زائل کر دینا ہٹا دینا ختم کر دینا ازالہ اردو میں جیسے لکھتے ہیں نا زا سے را جیسے کہ زا ہوتی ہے نہیں وہ بھی اسی سے ہے ازالہ لفظ اسی سے زائل کر دینا نقصان کو ختم کر دینا الزائل جی نہیں الازالت یہ لفظ جو نا اس کا جب معنی کریں گے تو وہ الازالت کریں گے الازالت جی پہلے اس کا اردو میں مفہوم سمجھ لیں بعد میں ہم عبارت کی طرف آتے ہیں مفہوم اس کا آسان لفظوں میں یہ ہے کہ شریعت کا پہلے ایک حکم آئے اور بعد میں شریعت کا ایک اور حکم آئے اور اس دوسرے حکم کے ذریعے سے اس پہلے والے حکم کو ختم کر دینا یہ نسخ کہلاتا ہے شریعت کا پہلے ایک حکم دینا اور بعد میں ایک اور حکم دے کر اس پہلے والے حکم کو ختم کر دینا یہ نسخ کہلاتا ہے تو منسوخ کا معنی ہوگا جس کو ہٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا اور ناسخ کہیں گے جو ختم کرنے والا ہو تو جو پہلا حکم شریعت کی طرف سے آیا وہ ناسخ ہوگا یا منسوخ ہوگا جو پہلا حکم ہے جو پہلا ہے وہ کیا کہلائے گا منسوخ اور جو ناسخ ہوگا وہ بعد میں ہوگا منسوخ کا معنی ہے جس کو ہٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا اور بعد میں جو حکم آیا اس نے پہلے والے حکم کو ہٹا دیا تو بعد والا ناسخ ہوگا مضروب کا معنی کیا ہوتا ہے مارا ہوا اور ضاربن مارنے والا منسوخ جس کو ہٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا ناسخ جو بعد میں آیا جس نے اس کو منسوخ کر دیا تو ناسخ پہلے ہوتا ہے یا منسوخ منسوخ پہلے منسوخ ہوتا ہے پھر بعد میں ناسخ آتا ہے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آج آپ کے تیسرے پیریڈ میں آپ کے استاد نہیں آئیں گے آپ حدیث پڑھیں گے
बाद में कहा जाता है कि हदीस नहीं, आप उसूल हदीस ही पढ़ेंगे। तो मनसूख क्या है, पहली वाली बात, दूसरी, पहली वाली बात मनसूख है, दूसरी वाली नासिख है। आप अमल किस पर करेंगे, दूसरी पर पहली पर? दूसरी पर। क्या इसमें जो है वो, जो है वो यानी उलझन हो रही है, तो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। मनसूख पहले होता है, नासिख बाद में आता है। ठीक है, पहले एक हुक्म दिया गया और बाद में दूसरा हुक्म देकर उसको खत्म कर दिया गया, तो पहला मनसूख कहलाएगा, दूसरा नासिख कहलाएगा। और अमल किस पर होता है, मनसूख पर, नासिख पर? नासिख पर। मनसूख को तो हटा दिया ना, उसके ऊपर अमल करना है ही नहीं। जैसे कुरान करीम की एक आयत है, हम मिसालों से आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कुरान करीम में सूरह मुजादला में अल्लाह सुबहाना व तआला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। ए अहले ईमान, जब तुम रसूल से सरगोशियाँ करो, सवाल करो, रसूल से अगर कोई बात करनी हो तो बात करने से पहले तुम सदका दिया करो, पहले सदका दो और फिर आकर रसूल के साथ अपनी बातचीत करो, कोई अपना सवाल करो, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका दे दिया। क्योंकि लोग कसरत से सवाल करने लगे थे। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो लोगों के ऊपर बड़ा भारी गुजरा कि हर मरतबा जरूर पेश आती रहती है, अब सवाल करेंगे तो सदका देना पड़ेगा। थोड़ी जो है उनको घबराहट हुई, मुशक्कत हुई। सिर्फ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत करीमा पर अमल किया तो उसके फौरन बाद दूसरी आयत करीमा नाज़िल हुई, अशफ़क़तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इन लम तफ़अलू वताब अल्लाहु अलैकुम। क्या तुम डर गए कि तुम रसूल से बातें करने से पहले सदका पेश करो, इस बात से डर गए? जब तुमने ना किया तो अल्लाह सुबहान व तआला ने तुम्हारे ऊपर रुजू कर लिया और पहले हुक्म को अल्लाह तआला ने हटा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि यह हुक्म मुशक्कत का बायस बन रहा था। अल्लाह सुबहान व तआला को पहले से मालूम था कि मुशक्कत का बायस बनेगा, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने अहमियत दिलाई कि तुम जाकर यूं फजूल में रसूल से सवाल ना किया करो। बस औकात कोई आदमी आकर कहता अल्लाह के रसूल मेरा बाप कौन है, लोग मुझे कहते हैं मेरा रंग दूसरा है और मेरे बाप का रंग दूसरा है, और लोग कहते हैं तुम उसके बेटे नहीं हो, आप मुझे बताएं मेरा बाप कौन है। अब जो है वो कोई आकर कहता अल्लाह के रसूल मेरा ऊँट गुम हो गया है, मुझे बताएं मेरा ऊँट कहाँ है। तो इस तरीके से आकर जो सवाल करने लगे थे तो अल्लाह सुबहान व तआला ने थोड़ी सख्ती की। जब पैसे खर्च होंगे ना तो जिस तरीके से आपको कहा जाए कि आप क्लास में सवाल करेंगे और आपको सवाल करने से पहले 10 रुपये देने होंगे, कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। 10 रुपये बचाने के लिए आप कुछ भी कर लेंगे, साथी से पूछ लेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, बार बार सुनेंगे, लेकिन 10 रुपये बचाने? जी आप 3 रुपये बचाने के लिए मिस कॉल करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? हमारे उस्ताद बता रहे थे कि एक इदारे में, यानी कराची के अंदर एक इदारा ऐसा है कि जहाँ पहले दिन ही छुट्टियों के बाद जब हाजिरी होती है ना, 100% हाजिरी होती है, कोई भी गैर हाजिर नहीं रहता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यानी ये कानून बना दिया है कि अगर कोई तालिब इल्म एक दिन लेट करता है ना तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा, 2 दिन लेट करता है तो 2,000 रुपये। और वो बाकायदा लेते हैं और उन पैसों को इदारे में जमा करने के बजाय तलबा के ऊपर खर्च कर देते हैं, खिला पिला देते हैं। लेकिन बहरहाल जिसे 1,000 रुपये लिया जा रहा है तो कौन चाहेगा? अगर बीमार भी होगा ना तो यूं कंधों के ऊपर हाथ रखकर भी मदरसे में आ जाएगा कि 1,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। मैं करूंगा 10 रुपये दूंगा, लेकिन आप नहीं लेंगे, मैं आपको अपना जो है इसी पैसा अकाउंट दे देता हूं। फिर अन्नस्ख तारीफ है, हुआ रफ़ हुक्म शरईयन बिदलील शरईयन मुतअख्खिरन अन्हु। नस्ख ये है, रफ़ हुक्म शरईयन, उठा देना, ख़त्म कर देना किसी शरी हुक्म को। नस्ख ये है कि किसी शरी हुक्म को ख़त्म कर देना बिदलील शरईयन, किसी शरई दलील के ज़रिए से, मुतअख़्खिरन हो जो उससे बाद में आए। नस्ख ये है कि किसी शरी हुक्म को ख़त्म कर देना, रफ़ का माना होता है उठा लेना, उठाने का मतलब क्या है, ख़त्म कर देना। रफ़ हुक्म शरईयन, शरी हुक्म को ख़त्म करना, बिदलील शरईयन, किसी शरई दलील के ज़रिए से, मुतअख़्खिरन हो जो उससे बाद में आए। शरी दलील को ख़त्म किया जाता है शरी दलील के ज़रिए से, जिसका माना यह है कि शरी दलील जो है, मुसलमानों ने आपस में इजमा कर लिया कि हम ये काम करेंगे, तो शरी दलील आकर यह नहीं कहती कि लिहाजा इसको हुक्म को ख़त्म कर दो। शरी दलील लोगों के इजमा को ख़त्म नहीं करती, क्योंकि दलील पहले आती है, इजमा लोगों का बाद में होता है। आ रही बात समझ में? इसी तरह शरी दलील जो पहले मौजूद हो, सारे के सारे लोग मिलकर कहें कि हम इस पर अमल नहीं करते, दलील कोई नहीं है लेकिन ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर अमल नहीं करते, तो क्या लोगों का इजमा कर लेना कि हम पूरी उम्मत जमा हो जाए कि हम इस पर अमल नहीं करेंगे, क्या ये उस हुक्म को मंसूख कर देगा? सारी उम्मत कह के 5 नमाज़ें बहुत मुश्किल हैं, 3 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, सारी उम्मत जमा हो जाए, क्या अल्लाह ताला 3 नमाज़ों को कबूल करेगा? नहीं। कोई भी शरी हुक्म
अगर उसको उठाया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो वो शरी दलील के जरिए से, अब दीन मुकम्मल हो चुका लिहाजा अब नासिख मंसूख का मामला भी ख़त्म हो गया। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें मालूम हो कि कौन से अहकाम हैं जो पहले दिए गए और बाद में उनको मंसूख किया गया। बस अवकात हमारे सामने अहादीस आती हैं, हम कहते हैं इस पर कैसे अमल करेंगे, इल्म होगा तो हमें मालूम होगा कि ये मंसूख हो चुके हैं। सही, बाद में इजाज़त दी गई कि तुम उसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हो कुर्बानी की गोश्त को, सिर्फ आप छुरी फेरें, खाल उतारें और फिर इसमें डालें। ऐसा करना जायज़ है? यानी कुछ भी कुर्बानी की जानवर में से ना दिया जाए। माशाल्लाह, बड़े फतवे लेकर रखे हुए हैं अपने अपने फ़ायदे के। सही है, ठीक है, इन मसाइल का बखूबी इल्म है सबको, है गोश्त महंगा मिलता है ना पूरा साल। जी, बेदलील इन शरईन मुताखरीन, बात की वजह से दलील लफ्ज मजरूर है और शरईन मुताखरीन, ये दोनों दलील की सिफतें हैं। सिर्फ दिया मनसूख आयत जो भी है उनकी तिलावत करते हैं। जी हाँ, कुरान करीम में नसख तीन एतबार से वारिद हुआ है, तो कुछ आयतें मनसूख होती हैं लेकिन उनको तिलावत जो है उनकी वजूद होती है। ये तो हो गए नसख की तारीफ। अब दो लफ्ज़ और हैं, नासिख और मनसूख। नासिख क्या है? हुआ वो एक ऐसी दलील होती है मा रुफिया बिही, कि जिसके ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाए, मा जो या जिसके ज़रिए से रुफिया बिही ख़त्म कर दिया जाए, उसके साथ हुक्मुन मुतकद्दिमुन, एक ऐसा हुक्म जो पहले आ चुका हो। नासिख वो है रुफिया बिही कि जिसके ज़रिए से ख़त्म किया जाए, हुक्मुन एक हुक्म, मुतकद्दिमुन जो पहले से मौजूद हो। तो नासिख पहले होता है या मनसूख? मनसूख, नासिख बाद में आता है। नासिख के ज़रिए से पहले से एक हुक्म मौजूद होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अल मनसूख, अन नासिख ये इस्म फाइल का सीगा है और अल मनसूख ये इस्म मफ़ऊल का सीगा है और अन नस्ख ये मसदर है। अल मनसूख जिसको मनसूख कर दिया गया हो, हुआ वो ऐसी दलील होती है मा रुफिया हुक्मुहु, कि जिसके हुक्म को ख़त्म कर दिया गया हो। दलील के अंदर कोई हुक्म दिया गया और उस हुक्म को ख़त्म कर दिया गया बेहुक्मिन मुतअख्खिर नान हो, एक ऐसे हुक्म के ज़रिए से जो उसके बाद आया हो। मनसूख वो है मारूफ या हुक्म हो कि जिसके हुक्म को उठा लिया गया हो, जिसके हुक्म को ख़त्म कर दिया गया हो। बेहुक्मिन मुतअख्खिर नान हो, किसी ऐसे हुक्म के साथ, किसी ऐसे हुक्म के ज़रिए से जो उससे बाद में आया हो। तो ये तीन लफ्ज़ हैं और इन तीनों की वजाहत है। वैसे लफ्ज़ नस्ख के लुगवी तौर पर दो माने थे, ये उसकी सलाही तारीफ़ है। नासिख और मनसूख की भी हमारे सामने तारीफ़ आ गई। क्या ऐसी कोई मिसाल है कई फ़योरफ नस्ख, नस्ख कैसे पहचाना जाएगा? तो यहाँ पर वो मिसालों के ज़रिए से भी वाज़े करेंगे। ये कैसे मालूम होगा कि ये आयत करीमा या ये हदीस नासिख है, बाद में आई है, ये मनसूख है, ये शुरू इस्लाम में अमल था और बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया? हदीसें तो बहुत सारी हैं, तो ये कैसे पता चलता है? उलमा ये कैसे जानते हैं कि ये हुक्म मनसूख हो चुका है? इसकी पहली सूरत यह है बेतसरीह रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहत करें। सराहत का माना होता है वजाहत करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद वजाहत कर दें कि पहले ये हुक्म था, अब उस हुक्म को ख़त्म किया जा रहा है, अब दूसरा हुक्म दिया जा रहा है, अब तुमने इस पर अमल करना है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ह कर दें। बितसरीह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत के साथ, वजाहत के साथ, नहीं तसरीह मुज़ाफ़ है। जी नहीं, ता की वजह से नहीं, ये सब अपना खुद अपना ज़ाती लफ्ज़ है। जैसे ज़रबा का ज़वाद अपना लफ्ज़ है ना, तो तसरीह की ता जो है ये मसदर का अपनी जो है उसकी अपनी ता है। मिसाल के तौर पर कुंतु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा। कुंतु नहैतुकुम, मैंने तुम्हें मना किया था, मैं तुम्हें मना करता था, अन ज़ियारतिल क़ुबूर कब्रों की ज़ियारत से, फ़ज़ूरूहा बस तुम उनकी ज़ियारत किया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा बस बेशक वो याद दिलाती है आखिर, कब्रों की ज़ियारत आखिर को याद दिलाती है। फ़ज़ूरूहा बस तुम उनकी ज़ियारत किया करो, कब्रस्तानों कब्रों की ज़ियारत किया करो, फ़ज़ूरूहा बस तुम उनकी ज़ियारत किया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा बस बेशक वो आखिरत को याद दिलाती हैं। क्या यह हुक्म मर्दों और औरतों दोनों के लिए है या ये सिर्फ मर्दों के साथ खास है? आसान लफ्ज़ों में अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहें तो क्या जवाब है? मर्दों के लिए है, औरतों के लिए हुक्म नहीं है। तो ये पहली सूरत है।
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما دیں کہ پہلے یہ حکم تھا اور اب یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ نسخ کو پہچاننے کا پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی صحابی بتائے بقول صحابی, صحابی کے قول کے ساتھ, کہ صحابی بتائے کہ دین اسلام میں پہلے یہ حکم تھا, بعد میں یہ حکم آیا اور پہلے حکم کو ختم کر دیا گیا. اس کی مثال مثال قول جابر رضی اللہ عنہ, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے, کہتے ہیں کان آخر الامرین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں معاملات میں سے جو آخری معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ تھا کہ ترک الوضوء مما مست النار, وضو کو چھوڑ دینا, مما ان چیزوں سے, مست النار کو جن کو آگ نے چھوا ہو. پہلے حکم یہ تھا کہ جن چیزوں کو آگ نے چھوا ہو, جو چیزیں آگ پر پکائی گئی ہوں, اگر وہ چیزیں تم کھاتے ہو تو تم نے اس وجہ سے وضو کرنا ہے, تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پکی ہوئی چیزیں کھائیں اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں معاملوں میں سے آخری معاملہ, دونوں معاملے کون سے, کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ دو معاملے نا, وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک طرف آپ کا حکم ہے کہ وضو کرو اور ایک طرف آپ کا عمل ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا. تو دونوں معاملوں میں سے جو آخری معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کو استعمال کرنے کے بعد وضو کو ترک کر دینا, وضو کو چھوڑ دینا. اب ہم موجودہ دور میں کوئی چیز آگ پر پکی ہوئی کھاتے ہیں تو ہم جو ہے وضو نہیں کرتے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل یہی تھا. تو یہ صحابی کی طرف سے وضاحت آ گئی. اور اس طریقے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جن میں صحابہ کرام نے وضاحت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ حکم دیا تھا اور بعد میں یہ حکم آیا. آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا, آخر کا معنی ہوتا ہے آخری. نارو ہوگا, مست نارو, مست کا فائل ہوگا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ حجامہ کروا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم. اس دور میں جو حجامہ کیا جاتا تھا تو وہ ایک سینگ ہوتا تھا اور سینگ میں ایک طرف سے تو سوراخ ہوتا ہی تھا, دوسری طرف سے بھی سوراخ کیا جاتا اور وہ جسم کے کسی عضو پر رکھ کر اس کے اندر اس کو زور سے کھینچا جاتا. وہاں پر پھر وہ جو گوشت اس کے اندر خون جمع ہوتا اس کو کٹ مار کر اور یعنی چھوٹے چھوٹے جو زخم لگا کر اور دوبارہ سے وہ اس کو اپنے منہ کے ذریعے سے خون کو کھینچتا. تو اس طریقے سے نا وہ حجامہ کیا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا رمضان کا مہینہ ہے اور ایک حجامہ کر رہا ہے دوسرا کروا رہا ہے دن کا وقت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جس نے حجامہ کروایا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا, اس کا خون نکلا, اور جس نے حجامہ کیا ہے کہ خون کو اس نے چوسا ہے یعنی کھینچ کر نکالا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. لیکن آخر عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روزے کی حالت میں حجامہ کروایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی صحابہ کرام نے وضاحت کی. یا جی جی یہ تاریخ کے ذریعے سے جو تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ آ رہا ہے, تاریخ کے ذریعے سے کیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا تھا. تو یہاں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری عمر کا یعنی یوں سمجھو واقعہ ہے, بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا. تیسرا طریقہ کار یہ ہے جی نہیں, اس دور کے اندر اتنی فاسٹ طریقے سے ترقی نہیں ہوتی تھی کہ وہ حجامہ, تو یہ صدیوں تک یہی چلتا ہوا رہا, یہ تو موجودہ دور میں وہ کپ آ گئے ہیں اور مشین کے ذریعے سے حجامہ کیا جاتا ہے, وگرنہ پچھلی صدی تک یہی طریقہ کار تھا. اس کا بھی تو خون نکلا ہے. تیسرا طریقہ ہم جنس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حکم ناسخ ہے اور یہ حکم منسوخ ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہے بمعرفت تاریخ, تاریخ کی معرفت کے ذریعے سے. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں, یہ پہلے بھی مثال ہم نے دی تھی, مثال ہو تحریم و نکاح المتعاقد, نکاح متعا کی تحریم کا مجسم معاملہ ہے. یہ دین اسلام کے شروع کے اندر ایک جائز تھا معاملہ, لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر جو سن 6 ہجری کے اندر ہوا تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اس نکاح متعا کو حرام قرار دیا تھا, اور اسی طرح دوبارہ اس کی جو حرمت ہوئی تھی وہ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا. تو تاریخ کے ذریعے سے بھی کسی حکم کے منسوخ ہونے کے بارے میں ہم معلومات کر سکتے ہیں. جی نکاح متعا جو روافظ کے ہاں ہے,
कि वक्ती तौर पर एक मर्द एक औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक महीने तक के लिए निकाह करना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम्हें इतने इतने पैसे दूंगा, इतनी रकम दूंगा, और वो उसके पास एक महीना शोहर बीवी बनकर रहें और पहले से वादा हो कि एक महीने के बाद निकाह टूट जाएगा, तो ये निकाह मुताअ है और ये हराम है दीन इस्लाम में। इसलिए निकाह करते हुए इंसान की नीयत ये हो कि दोनों ने हमेशा अपनी ज़िंदगी साथ गुजारनी है। अगर नीयत में ये है कि हमने आगे चलकर निकाह को तोड़ देना है और सिर्फ वक्ती तौर पर निकाह में है, तो ये निकाह मुताअ कहलाएगा। जिससे इंसान किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जाता है, वो सोचता है कि यहाँ बेहयाई आम है, तो यहाँ अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए मैं निकाह मुताअ कर लूँ और वक्ती तौर पर निकाह करूँ, बाकी जब अपने मुल्क जाऊँगा तो निकाह को तोड़ कर जाऊँगा, तो ये हराम है। हाँ, ये है कि वो कुल्ली तौर पर और कुल वक्ती हमेशा के लिए घर आबाद करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए निकाह कर रहा है, तो फिर ठीक है। नहीं, ये निकाह गवाह की मौजूदगी में नहीं होता था, नहीं, बाहर सिर्फ जो है वो सिर्फ मुताअ का माना होता है फ़ायदा उठाना, फ़ायदा पहुंचाना। मर्द औरत को फ़ायदा पहुंचाता माल देकर, और औरत मर्द को फ़ायदा यूँ पहुंचाती कि जैसे मर्द किसी अजनबी इलाके से आए तो उसके सामान की हिफाजत करती, उसके लिए खाना वगैरह बनाती और उसकी जो जिनसी ख्वाहिश है उसको पूरा करती। औलाद नहीं होती थी आमतौर पर। तहरीम का माना होता है हराम करार देना। मिसाल हो, इसकी मिसाल है तहरीम निकाह मुताअ की हुरमत। तो ये भी तारीख के जरिए से मालूम हुआ, हुरमत हराम करार दिया जाना। और ये रवाफिज के यहाँ अभी तक जारी है, इनके यहाँ जो है वो खूब मुते होते हैं और खूब जो उनके यहाँ आज़ादी है इनके मजहब के अंदर, बल्कि इनकी किताबें और इनकी तारीख पढ़कर जो देखेंगे तो इनका जो बदनामा चेहरा है वो जाहिर हो जाता है। इनके बड़े बड़े जो है वो हत्या के खुमैनी तक के बारे में मैं एक किताब पढ़ा था, लिल्लाह कुमल तारीख, तो उसके अंदर जो ना जो वाक़ात बयान किए थे कि किस तरीके से जो है वो जाकर और किसी के भी घर के अंदर दाखिल होकर उसकी बिल्कुल छोटी सी और नाबालिग बेटी को देकर कहा कि मैं इसका निकाह मुताअ करूँगा, और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से वाक़ात उनकी किताबों के अंदर जिक्र किए हुए हैं। चौथी सूरत नासिख और मनसूख को पहचानने की ये है बिदलालत इजमा, कि इजमा दलालत करे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इजमा किसी शरी दलील को नसख नहीं कर सकता, शरी हुक्म को नसख नहीं कर सकता कि पूरी उम्मत इजमा जमा हो जाए कि हम इस हुक्म पर अमल नहीं करेंगे। इजमा दलालत करता है कि यह हुक्म मंसूख है। कैसे? इसकी दलील दे देंगे, कहते हैं कि बेदलालत इजमा इजमा की दलालत से, वल इजमा लई सब नासिख है, इजमा नासिख नहीं हो सकता कि लोग उम्मत या उम्मत के उलमा जमा हो जाएँ कि अब इस हुक्म पर अमल नहीं करेंगे। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में उलमा कहें भाई मौजूदा दौर में वीडियोस की ज़रूरत है, तस्वीरों की ज़रूरत है, अब अहादीस मुबारक में जो तस्वीर की जो ममानियत वारद हुई है ना, तो बस उन अहादीस को मंसूख करार देते हैं, अब ज़रूरत है लिहाजा सब उलमा टीवी पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो लिहाजा अब इसको जो है वो जायज़ करार दें। और जिन अहादीस में तस्वीरें और वीडियोज़ बनाने से या फिर सूरतें बनाने से मना किया गया है, जो जिसके अंदर ये वीडियोज़ और तस्वीरें शामिल हैं, तो बस उसको मंसूख करार दें। क्या इनके लिए ये मुमकिन है उलमा के लिए? नहीं, क्योंकि एक शरी दलील को इजमा नसख नहीं कर सकता, पूरी उम्मत जमा हो जाए एक छोटे से शरीयत के मामले को भी नसख नहीं कर सकते। वलाकिन यदुल्लु अला नसख वल इजमा लैस बिनासिखिन, इजमा नसख करने वाला नहीं होता। वलाकिन यदुल्लु अला नसख, लेकिन वो दलालत करता है नसख पर, यानी इजमा बताता है, इजमा बताता है कि ये काम मंसूख है, लेकिन ये नहीं कि इजमा किसी हुक्म को ख़त्म नहीं कर सकता, इजमा बताता है कि ये काम मंसूख हो चुका है। जैसे आपके सारे के सारे मिलकर आप ये तो कह सकते हैं मिसाल के तौर पर कि निकाह मुताअ हराम है, आप सारे इस बात पर जमा हो सकते हैं। क्या आपने सब ने मिलकर निकाह मुताअ को हराम करार दिया? नहीं, इस तरह पूरी उम्मत मुसलमान जमा होकर तो ये कह सकती है कि ये हुक्म मंसूख है, जमा हो सकती है, लेकिन जमा होकर किसी हुक्म को मंसूख नहीं कर सकती। इजमा का मतलब होता है कि किसी दौर के उलमा जमा हो जाएं किसी मसले पर, तो उसको इजमा कहा जाता है। वो एक मशवरा था, एक राय पेश की थी। जी हाँ, नहीं, उस वक्त तो रसूल सल्लम मौजूद थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इजमा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अदमुल कत्ल फी शारिबिल खम्र अर्राबिया मा वजूदिल हदीस फी, इसकी मिसाल है अदमुल कत्ल, कत्ल ना करना, फी शारिबिल खम्र अर्राबिया चौथी मरतबा शराब पीने वाले को, मा वजूदिल हदीस फी, बावजूद इसके बारे में सही मुस्लिम सुनन अबू दाऊद वगैरह में हदीस वारद हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स शराब पिए तुम उसको कोड़े मारो। कोड़े समझते हैं क्या होते हैं? चमड़े की बनी हुई एक रस्सी नुमा एक चीज़ होती है जिसको जो ना वो बल देकर बटा गया होता है और वह जोर से लगती है, चाहे लाठी के जरिए से या किसी रस्सी के जरिए से, बेहरहाल
तो फरमाया कि अगर कोई शराब पीता है तो तुम उसको कोड़े मारो, अगर दूसरी मरतबा पीता है फिर उसको कोड़े मारो, तीसरी मरतबा पीता है फिर उसको कोड़े मारो, चौथी मरतबा पीता है तो तुम उसको कत्ल कर दो। इस बारे में उलमा का और तमाम सहाबा किराम का, इसी तरह तमाम जो है वो ताबईन का इस बारे में इत्तेफाक था कि ये हुक्म जो है ये मनसूख हो चुका था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके ऊपर हुक्म इसको जारी नहीं किया था, और ना ही जो है किसी ने जो है इसके ऊपर अमल किया, ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में और ना ही आपके बाद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी थे कि जिनको अब्दुल्ला उनका नाम था और लकब उनका हिमार था, और उनको कई मरतबा शराब पीने के जुर्म में लाया गया, उसको हर मरतबा कोड़े लगाए गए, कत्ल नहीं किया गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई शख्स चौथी मरतबा भी शराब पीता है तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। अगर कत्ल किया जाना होता तो हमारे यहाँ मौजूदा दौर में कितने सारे ऐसे अफराद हैं कि जो शराब पीते हैं, सबको कत्ल कर दिया जाता, लेकिन उनको अगर इस्लामी हुकूमत नाफिस हो, इस्लामी हुकूमत कायम हो, तो उनको कोड़े लगाए जाएंगे, कत्ल नहीं किया जाएगा। तो ये इस पर बाकायदा कोई नस नहीं है, दलील नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि कोई चौथी मरतबा शराब पीता है, मैंने पहले कहा था कि उसको कत्ल करो, अब उसको कत्ल नहीं करना, नहीं। तो फिर कैसे मालूम हुआ? आप अलैहिस्सलाम का उसको सज़ा ना देना और बाद में तमाम सहाबा किराम का इस पर इत्तेफाक कर लेना। जी कोड़े कितने मारेंगे? कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 80। कुछ सवालात कर रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये था कि ये जो आजकल पेपर्स के लिए निकाह करते हैं, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में, वो भी इसी निकाह में आएगा? नहीं, वो जो वक्ती तौर पर निकाह नहीं करते, वो सिर्फ एक किस्म का दिखलावा होता है, सिर्फ दिखलाने के लिए बस निकाह करते हैं ताकि हुकूमत को यकीन आ जाए। लेकिन अब तो इसकी भी इजाज़त नहीं शायद, या भी है? निकाह उसका हो जाएगा लेकिन इस नियत की वजह से वो गुनाहगार जरूर है। आगे है कि तारीख से मनसूख होता कौन सा फिरका है? तारीख से मनसूख होता कौन सा फिरका है? समझ नहीं आया। तारीख से मनसूख होता, फोर्थ पॉइंट फिर से बोलें। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि उम्मत का इजमा हो कि शरीयत का फलां हुक्म मनसूख हो चुका है, तो यहाँ से भी नसख मालूम होता है। उम्मत का किसी मसले पर इजमा कर लेना कि शरीयत का फलां हुक्म मनसूख है, तो ये भी उस हुक्म के नासिख होने से, उस हुक्म का मनसूख होना इसका उससे पता चलता है। शरीयत यानी शरीयत के मुकाबले में इजमा की अगर बात की जाए तो बहुत कम ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर उम्मत का इजमा, इस बारे में पूरी जो है वो एक किताब भी लिखी गई है, और उम्मत के जितने भी जो मामलात हैं जिनके ऊपर इजमा है, उन्होंने उलमा ने उनको जो जमा किया है। तो बहरहाल इजमा उसका जो है वो यानी बता चले उजमा के ज़रिए से कि शरीयत का फलां हुक्म मनसूख है, और साले उलमा के हैं कि जी हाँ वाकई में वो मनसूख हो चुका था, तो फिर इजमा के ज़रिए से भी किसी हुक्म के मनसूख होने का पता चलता है। मिसालुहु, इसकी मिसाल ये है कि अदमुल कत्ल, कत्ल ना करना, पिशावर बिल खम्र, शराब पीने वाले को, और राबिया चौथी मरतबा, चौथी मरतबा शराब पीने वाले को कत्ल ना करना। जी शारिब इसम फ़ाइल का ये मफ़ऊल है, मा वजूद हदीस फी, बावजूद इसके इस बारे में हदीस मौजूद है। इस्तिहाद क्या होता है? इस्तिहाद ये होता है कि कोई ज़माने के अतबार से कोई मसला पेश आ जाए, ठीक है ना, कोई जदीद मसला पेश आ जाए और उस मसले का शरीयत से कोई हल निकाला जाए शरीयत की नुसूस की रोशनी में, तो ये इस्तिहाद कहलाता है। क्या वो सिर्फ मनसूख को बताता है और नासिख के बारे में इस्तिहाद नहीं हो सकता? नहीं, ये नासिख और मनसूख ये जो मामलात हैं ये दलाइल से होते हैं। कोई भी चीज़ मनसूख होती है तो वो दलील के ज़रिए से होती है। इस्तिहाद जो है वो किसी भी शरीयत के हुक्म को मनसूख नहीं कर सकता। इस्तिहाद इस बारे में होता भी नहीं है। इस्तिहाद इस बारे में होता है जैसे मौजूदा दौर में कोई जदीद मसला पेश आ जाता है, सही, हाँ ये भी एक शक्ल है। या फिर ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से एक जदीद जो है मसाल यानी पेश आते, जैसे जो है वो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला है, कि जिस तरीके से जो है वो बच्चे को जो है वो बाहर रखकर या किसी और के रहम के अंदर बच्चे को पैदा करना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? खून का इंतकाल, क्या ये जायज़ है नाजायज़ है? आज़ा की पेविंदकारी, एक इंसान के आज़ा मरने के बाद निकाल कर दूसरे इंसान को लगाना, तो ये जो मसाइल हैं इस बारे में कोई दलाल वारद नहीं हुए, लेकिन गुजरने के वक्त गुजरने के साथ साथ जो जदीद वसाइल यानी मसाइल पेश आ रहे हैं तो उनका हल निकालना। जिस तरह पिछले जो है वो दिनों की बात है कि एक इंसान को खिंजीर का दिल लगाया गया और वो कुछ अरसे तक जिंदा रहा, शायद महीना, उसके बाद उसके दिल ने काम करना छोड़ दिया, क्या ऐसा करना जायज़ है कि एक इंसान के जिस्म के अंदर जानवर के आज़ा लगाए जाएँ? तो ये जदीद मसाइल जब पेश आते हैं तो उनके लिए उलमा नुसूस को सामने रखते हुए इस्तिहाद करते हैं, तो ये इस्तिहाद कहलाता है।
इजमा इबादात के अंदर, वो इजमा नुसूस की रोशनी में होता है। जी हाँ सही सही बिल्कुल सही जी हाँ, तो वो इजमा भी, इजमा के लिए भी नस चाहिए होती है, दलील मौजूद हो। जी हाँ हल सही अन नकूल तखरीज नासिख वल मंसूख, ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं, कोराई मतलब चबलुक सर, चाबुक चाबुक ठीक है, कोड़े मतलब चाबुक सही है, जो घोड़े को मारे जाते हैं या उसी से मिलते जुलते होते हैं, यदुल अमल से रवाफिस नहीं, तारीख से मंसूब होता कौन सा फिरका है, नवाफिस। हम ये कह रहे थे कि ये जो मामला है निकाह मुता का, तो निकाह मुता ये मालूम हुआ है हमें तारीख से निकाह मुता, जबकि निकाह मुता अभी तक रवाफिस राफिसी शिया ठीक है ना, इनके यहाँ आम है, इनको शिया कहने के बजाय राफिसी कहना चाहिए, शिया के नाम को तो पसंद करते हैं, इनको रवाफिस कहना चाहिए। रवाफिस का माना है रफ्स से, और रफ्स क्योंकि उन्होंने इनकार किया था सैदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की खिलाफत का, और सैदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सैदना उस्मान रज़ी अल्लाह की खिलाफत का, इनकार करने वाला। उसूल हदीस जो है वो इस बारे में बहुत सारी किताबें हैं, तो अगर अगर ये कहा जाए कि एक मुतवस्सित दरमियानी किताब जो समझना आसान हो, तो डॉक्टर महमूद अत्तहान की किताब है जो आप आइंदा साल पढ़ेंगे, वो एक मुनासिब मौतदिल किताब है, यानी तारुफ हासिल करने के लिए, वरना इस फन की किताबें तो इतनी गहराई से लिखी गई हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इसमें जामिया इस्लामिया में इस बारे में पूरा 4 साल का तखसस करवाया जाता है, और तखसस के बाद फिर इसमें यानी मास्टर और फिर PhD और आखिर तक तालीम दी जाती है सिर्फ इसी चीज़ में। क्या कह रहे हैं, सवाल था शिया का माना होता है गिरोह, और वो खुद कहते हैं हम शिया ने अली हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह है। कोई उर्दू में किताब है उसूल हदीस की, इन किताब का तेसीर मुसलहुल हदीस का भी तर्जुमा हो चुका है, उर्दू में भी मौजूद है, और इसी तरह मिन अतिया बिल मिन जो डॉक्टर अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद जो अभी भी मस्जिद नबी के इमाम खतीब हैं, तो ये उनकी लिखी हुई है और बड़ी बेहतरीन किताब है, मुख्तसर है, इसका भी उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, मिन अतिया बिल मिन। मिन अतिया बिल मिन नाम लिखते हैं, आसान है, मिन अतियब अतियब अल मिन। बादुल इस्तिलाहात कुछ जदीद इस्तिलाहात हैं, बाद इस्तिलाहात हैं, तो इन इस्तिलाहात को हमें मालूम होना ज़रूरी है, हम जब उसूल हदीस पढ़ रहे हैं तो जब कभी अल्फाज वारिद हुए तो फिर हमें इनका माना मालूम होना चाहिए। असहाबी, सहाबी किसे कहते हैं, जी क्या कह रहे हैं, सही, सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो, इस्लाम की हालत में मुलाकात की हो, और इसी हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, इस्लाम की हालत में मुलाकात की और इसी पर उसका इंतकाल हुआ, उसे सहाबी कहेंगे। सहाबी होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सहाबी वो है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो नाबीना सहाबी थे जैसे अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, तो क्या वो सहाबी नहीं है, सहाबी हैं। तो सहाबी की तारीफ ये है कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ। अगर कोई शख्स यानी इस तरीके से हम तारीख में एक दो नाम मिलते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की, आप अलैहि सलाम के बाद वो मुर्तद हो गए, दीन इस्लाम को छोड़ दिया, बाद में मरने से पहले वो इस्लाम लेकर आए और इस्लाम पर वो मरे, वो सहाबी कहलाएंगे, आप अलैहि सलाम के बाद उन्होंने इर्तदाद किया था, मुर्तद हो गए थे, सिर्फ एक या दो नाम इस तरीके से हमें मिलते हैं कुतुब तारीख में, तो वो भी सहाबी कहलाएंगे। आप हवाई फायरिंग करें कभी हाँ कभी ना, ठीक है, तो ये जो जो बात अच्छी लग रही है आप कह रहे हैं, बिन बिल खवातीन सही नहीं, वो एक अलग मामला है, यहाँ पर ये अलग मामला है, वो अगर चीज़ ना वो अमल के एतबार से है, तो यहाँ पर सहाबी का हुक्म, सहाबी का शरफ, क़यामत के दिन इसको सहाबा कराम में शुमार किया जाएगा, जी हाँ, दुनिया के अंदर इसकी रवायत को लिया जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, तो ये भी सहाबा कराम के अंदर शामिल है, जी नहीं
अस्सहाबियो हुवा मन लकिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अला इस्लाम, सहाबी वो है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो, लकिया मुलाकात की हो नबी अलैहिस्सलातु वसलाम से, मुमिनन बिही इस हाल में कि वो आप अलैहिस्सलातु वसलाम पर ईमान लाने वाला हो, व मात अला इस्लाम और इस्लाम पर फौत हुआ हो। सहाबी वो है कि जिसने नबी अलैहिस्सलातु वसलाम से मुलाकात की हो इस हाल में कि वो आप पर ईमान लाने वाला हो, व मात अला इस्लाम और इस्लाम पर वो मरा हो, इस्लाम पर उसकी मौत आई हो, ये सहाबी है। ताबियाई किसे कहेंगे? लफ्ज ताबियाई का माना होता है पीछे आने वाला, पैरवी करने वाला। कुरान करीम में वल्लदीन तबाउहुम बिहसान, इसी से लफ्ज दिया गया है कि जिन्होंने सहाबा अकराम की एहसान के साथ पैरवी की। ताबियाई हुआ वो होता है मनिजतमा बिसहाबीयिन फी हालत अलईमान व मात अल इस्लाम, जो जमा हुआ हो, जो मिला हो किसी सहाबी के साथ ईमान की हालत में और इस्लाम पर मरा हो, इस्लाम पर मरा हो, तो वो ताबई कहलाएगा। सहाबी से मुलाकात की हो, सहाबी के साथ जमा हुआ हो, सहाबी के साथ इकट्ठे हुआ हो ईमान की हालत में और इस्लाम पर उसकी मौत आई हो। इत्तबा जी इसी से लग गया, ताबियाई एरास सही सही, सहाबा के ताबियाइन के मनहज को छोड़ने वाला वो ताबियाई नहीं कहलाता, ठीक है सही। अल मुखजरिम ये कौन होता है? ये ना तो सहाबी होता है और ना ताबियाई होता है, ये दोनों के दरमियान इसका एक मरतबा होता है। वो यूँ के कुछ लोग थे जो नबी अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर के अंदर थे, जैसे नजाशी वो नबी अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर के अंदर थे, अवेस करनी नबी अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर के अंदर थे, लेकिन उनकी आप अलैहिस्सलातु वसलाम से मुलाकात नहीं हुई, वो आप पर ईमान भी ले आए लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो अब ये सहाबी कहलाएंगे क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर में थे और आप अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्या ये सहाबी कहलाएंगे? नहीं, इसलिए कि इन्होंने आप अलैहिस्सलातु वसलाम से मुलाकात नहीं की और सोहबत का शरफ इनको हासिल नहीं हुआ, मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हुआ, सहाबी नहीं कहलाएंगे। ताबेई कहलाएंगे? नहीं, इस तरीके ताबेईन वो होते हैं जो सहाबा अकराम की पैरवी करने वाले होते हैं, तो ये मुखजरम कहलाते हैं, जिसका माना ये होता है कि उन्होंने जिन्होंने कुछ हिस्सा इस्लाम के अंदर गुजारा हो और कुछ हिस्सा कुफर के अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर में उन्होंने कुफर में अपनी ज़िंदगी बसर की, फिर आप अलैहिस्सलातु वसलाम के दौर में ईमान ले आए और उनकी आप अलैहिस्सलातु वसलाम से मुलाकात नहीं। ज़रूरी क्या बात है? दो बातें, एक ये कि उनका ईमान लाना नबी अलैहिस्सलातु वसलाम की ज़िंदगी में हो और दूसरी बात है कि उनका आप अलैहिस्सलातु वसलाम से मुलाकात साबित ना हो, तो ये मुखज़रम कहलाते हैं। हुआ ये ऐसा शख्स होता है मन अदरक ज़मन अल जाहिलिया, जिसने जाहिलियत का ज़माना पाया, इस्लाम से पहले का ज़माना पाया, व असलम फी हयात नबी, वो इस्लाम ले आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, वलम यल्क़ी और वो आप अलैहिस्सलातु वसलाम से मिला ना हो, लकिया यल्का वलम यल्का और वो आप अलैहिस्सलातु वसलाम से मिला ना हो, यल्का हु जी हाँ यल्का था, लम की वजह से लम यल्का हो गया और आखिर में हा मफूल की लगा दी, आखिर में जो अलिफ था उसको गिरा दिया। जैसे नजाशी, नजाशी कौन था? हबशा था, बादशाह था। अवेस करनी ये कहाँ के थे और कर्ण कहाँ है? यमन में। और इसी तरह अबू वाइल, इनका नाम शकीक इब्न सलमा था, तो ये अरब के रहने वाले थे और आप अलैहिस्सलातु वसलाम से इनकी मुलाकात नहीं हुई, आप अलैहिस्सलातु वसलाम की ज़िंदगी में ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो मुखज़रम कहा जाता है। मुखज़रम का माना होता है काटना, खज़रम से लग जाएगा, इन्होंने उन्होंने जाहिलियत को काटा, ठीक है ना, और इस्लाम कबूल कर लिया आप अलैहिस्सलातु वसलाम की ज़िंदगी में ही। जामिया काफिर थे, मुसलमान हुए नबी अलैहिस्सलातु वसलाम की ज़िंदगी में, लेकिन आपसे मुलाकात ना हो सकी, ये सारी बातें ज़रूरी हैं। जाम इस्लाम इस्लामाबाद भी वो जामिया की ब्रांच है, तो मदीना में बिल्कुल दुआ दी थी, नहीं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा था कि आप उनसे मुलाकात करें तो आप उनको कहिएगा कि वो आपके लिए दुआ करें, बिल्कुल। और ये पूछ रहे हैं कि जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद, जामिया इस्लामिया मदीना वाली की जो शाख नहीं, जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद ये अलग है, सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन जामिया इस्लामिया की ये शाख नहीं है, ठीक है, तो इस पर इत्तफाक करते हैं। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।